हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है इस नए कोर्स के इस पहले लेसन में ये नया कोर्स कौन सा है जो हम क्लास सिक्स ज्योग्राफी एनसीआरटी की जो भूगोल की किताब है छठवीं चा, चा, कक्षा की उसकी छठी कक्षा की सारी उसकी जो एनसीआर की किताब है उसकी हम एक समरी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स को प्रेजेंट कर रही करी हूं मैं अर्पिता प्रकाश ये पहला लेसन है जो कि है अर्थ ठीक है जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम जो सौर्यमंडल है उसमें कैसा है ठीक है पहला है सेलेस्टियल बॉडीज सेलेस्टियल बॉडीज को हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं हेवनली आप ध्यान रखेंगे हेवन टर्म जो है से बना हुआ अब ये बॉडीज क्या होती है आपको अगर याद रखना है तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि वो कोई भी बॉडी ठीक है वो कोई भी सामान या कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स जो ब्रह्मांड में पाई जाती है अब वो मैटर हो एनर्जी हो मतलब ऊर्जा हो स्पेस हो वो पूरी मतलब कुछ भी जो ब्रह्मांड में पाया जाता है उसको हम बोलेंगे कि वो हेमेली बॉडीज है या सेलेस्ट्रियल बॉडीज है जैसे सूरज हो गया चांद हो गया तारे हो गए और बाकी जो ग्रह हैं उपग्रह हैं जो भी चीज़ें हैं ठीक है ठीके? सब कुछ उसमें कंसिडर हो जाता है फिर है स्टार्स स्टार्स क्या होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं बहुत गर्म होते हैं और मतलब ये बॉल होते हैं ना जो बहुत गर्म गोले जैसे गैस के जलते गोले जैसे होते हैं तो स्टार्स वो होते हैं हमें तो रात को ठंड लगती है तो हमें पता नहीं चलता उनकी गर्मी महसूस नहीं होती है क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए उनकी गर्मी हम तक पहुँच नहीं पाती सूरज हमारा जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है सबसे नज़दीक का स्टार है इसलिए हमें सूरज की गर्मी फील हो जाती है तो ये जो स्टार्स हैं इनकी अपनी गर्मी भी होती है और इनकी जो रोशनी होती है लाइट वो भी अपनी होती है फिर ये उसको एमिट करते हैं इन्हीं के वजह से बाकी जो ग्रह हैं प्लैनेट्स हैं उन तक भी लाइट पहुँचती है इनकी मास जो है वो बहुत ज़्यादा होती है वेट वाइज देखें तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनकी गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा होती है तो ये बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट अपनी तरफ खींचती है सन भी एक स्टार में ही आता है अब है कि स्टार तारे जो हमें चमकते हुए क्यों दिखते हैं ठीक है सारे तारे तो हम ऐसे रुके हुए से नहीं दिखते चमकते हुए दिखते हैं ना क्यों दिखते हैं क्योंकि जब अगर हम जैसे यहाँ अर्थ पर हैं और यहाँ स्टार है तो अर्थ क्या है अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है ठीक है मतलब गैसेस है बहुत गैसेस का पूरा कवरेज है तो जब स्टार से लाइट जो है वो अर्थ तक आती है वो इस एटमॉस्फेयर से होके आती है यहाँ पर गैस भरा हुआ है तो अब इनकी ना अलग अलग लेयर होती है और सब लेयर की अपनी डेंसिटी होती है डेंसिटी मतलब हो गया घनत्व तो अब जो ज़्यादा घना वाला लेयर होगा जब लाइट उससे पास करेगा तो ठीक से पास नहीं कर पाएगा उसको टाइम लगेगा पहुँचने में और हल्का घना होगा कम घना होगा तो उससे आसानी से पास कर जाएगा तो जब हम तक लाइट पहुंचती है ना जो कि बहुत दूर से पहुंच रही होती है स्टार बहुत दूर है हम यहाँ पर है तो हमें ऐसा दिखता है कि वैसे फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है तो इसीलिए हमें वो चमकता वैसे ट्विंकल करता हुआ दिखता है एक छोटा सा चीज़ है एस्ट्रोनोमी क्या होती है वो ब्रांच होती है जिसमें हम ये सन मून प्लान स्टार वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और जो फादर जिनको एस्ट्रोनॉमी का फादर माना जाता है वो है निकोलस कॉपरनिकस ये एक मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस एस सी वाले एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है जहाँ जनरल जी के पूछते हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि फादर जो अलग अलग ब्रांच के कौन से होते हैं तो एस्ट्रोनॉमी के लिए निकोलस कॉपर्निकस अब गैलेक्सी गैलेक्सी क्या है जैसे अलग अलग स्टार्स जो हैं वो जब एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनको हम गैलेक्सी कहते हैं तो हमारा जो सौरमंडल है सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी जिसको आकाशगंगा भी बोलते हैं तो उसका हिस्सा है अभी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो सबसे नज़दीक वाला गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा अब नेब्यूला क्या होता है अब जैसे ये गैलेक्सी हो गई जहाँ स्टार्स है बहुत सारे ग्रुप बना लिया यहाँ भी एक गैलेक्सी हो गई बहुत सारे स्टार्स मिलकर उन्होंने ग्रुप बना लिया इनके बीच में एक स्पेस जो है यहाँ पर एक क्लाउड से एक बादल सा हो जाता है किस चीज का गैसेस का और डस्ट का फिर यहीं पर नए नए और स्टार्स भी निकलते हैं पैदा होता है उत्पन्न होते हैं तो ये वाला जो डस्ट और गैस का जो ऐसे बादल सा हो जाता है ना उसको बोलते हैं नेबुला अब ये है जैसे आकाशगंगा और मिल्की वे गैलेक्सी तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम है अब है कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टेशन भी स्टार्स का ही तारों का ही ग्रुप होता है समूह होता है लेकिन वो एक शेप बनाता है इमेजिनरी मतलब जो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं ना माना हुआ इमेजिन किया हुआ वो एक शेप एक फिगर बना देता है और हमें उसको देख के लगता है कि अच्छा ये तो किसी चीज से मिलता जुलता सा है तो एक एग्जाम्पल है जो कॉन्स्टिलेशन का नाम है जिसको बोलते हैं उर्सा मेजर या बिग बियर उर्सा मेजर लैटिन में बिग बियर इंग्लिश में तो इसी कॉन्स्टिलेशन का एक हिस्सा जो है वो है स्मॉल बियर जिसको बिग डिपर भी बोलते हैं संस्कृत में उसको सप्तऋषि बोलते हैं सप्त के हो गया सात ऋषि हो गए जो साधु संत वगैरह हो गए तो उनके हिसाब से पड़ा है सात सितारों का समूह है अब रात में देख भी सकते हैं ये दिख जाता है ये ये चार तो बहुत अच्छे से ही दिख जाता है और ध्यान से देखेंगे तो ये सातों दिखेंगे अब अगर मान लो ये ह्यूमन आई है और यहाँ पर ना हम ये दो स्टार्स को एकदम से मतलब ये ऐसे टेलीस्कोप वगैरह से देख करके पता लगाया गया है कि ऐसे करके देखते हैं ना जब इनसे लगातार ऐसे कंटिन्यूस तो ये दिखता है कि ये एक ऐसे स्टार की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ये वाला स्टार ठीक है तो इनको बोलते हैं पॉइंटर है, जो पॉइंट करते हैं और पॉइंट किसकी तरफ करते हैं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार या पोलारिस तो ये वाला जो स्टार होता है ना पुराने समय में अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है तो पहले जब साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर को जब डायरेक्शन पता करना होता था तो उनको नहीं समझ आता था कंपास वगैरह नहीं था तो वो लोग क्या करते थे कि इसी स्टार के हेल्प से डायरेक्शन देखते थे उनको पता चलता था कि हम सही दिशा में हैं क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ हमेशा उत्तर दिशा को ही दिखाता है ये वाला स्टार अब है सोलर सिस्टम यानी सौर्यमंडल जो इस वर्ड से बना है सोल जिस जिसका मतलब वैसे होता है सन सूरज तो ये सूर्य की फैमिली है क्या क्या है सन है सूर्य है आठ प्लानट है जो हमारे ग्रह हैं सैटेलाइट है जो उपग्रह हैं और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं अब बताए कॉस्मिकियर अब कॉस्मिकियर क्या है अभी मैंने दिखाया आपको फिगर में ये वाला जो फिगर है कि ये सोलर सॉरी आकाश गंगा है मिल्की वे गैलेक्सी और सोलर सिस्टम इसका एक हिस्सा है तो ये इसके ऑर्बिट करता है तो सोलर सिस्टम को जितना टाइम लगता है मिल्की वे के पूरे अराउंड घूमने में उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर वन कॉस्मिक ईयर सो so ये लगभग हमारे नॉर्मल ईयर से देखें तो ये लगभग कितना होता है छब्बीस हजार साल होता है वो एक कॉस्मिक ईयर अब सूर्य के बारे में देख लें थोड़ा ये बहुत बड़ा होता है गैसेस का बना होता है गोला होता है बहुत गर्म होता है इसको येल्लो डॉर भी बोलते हैं गर्म होता है तो पीनी सी रोशनी सी दिखती है तो येल्लो बोल देते हैं डॉर हो जाता है फिजिकली कि बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा छोटा मान के चलते हैं इसको ये मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा का हिस्सा है ये हमारा सबसे अर्थ का पृथ्वी का जो सबसे नियरेस्ट नज़दीक जो आ, सितारा होगा उसको वो सन है और सन का जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है सन का जो सबसे नज़दीक का सितारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये अभी आएंगे इस पर अब सन क्या है सब इंपॉर्टेंट सोर्स अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का गर्मी और जो रोशनी आती है वो सन से ही पूरे सोलर सिस्टम में आती है क्योंकि जो ग्रह वगैरह है उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है और ये अर्थ से पृथ्वी से लगभग डेढ़ सौ मिलियन किलोमीटर दूर है और वहाँ से लाइट हम तक आने में सूरज से अर्थ तक लाइट आने में लगभग आठ साढ़े आठ एट पॉइंट फोर आप कुछ भी मान लो आठ से साढ़े आठ के बीच में इतने मिनट लगते हैं सो इट्स लाइक अबाउट एट मिनट्स अब इसका नजदीक मैंने बता दिया प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो लगभग फोर पॉइंट टू टू चार दशमलव दो दो लाइट ईयर दूर है लाइट ईयर क्या होता है लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक साल में याद रखना आसान है लाइट और ईयर तो एक ईयर में एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको लाइट ईयर बोलते हैं डिस्टेंस के लिए दूरी नापने के लिए हम क्या जानते हैं हमारा स्पीड जानना जरूरी है तो लाइट की स्पीड क्या है तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड अब सूरज का ये है कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं उसमें लगभग इकहत्तर परसेंट हाइड्रोजन होता है लगभग अट्ठाईस परसेंट हीलियम होता है और लगभग एक परसेंट बाकी गैसेस होते हैं अब प्लानट जो ग्रह है वो क्या है इस वर्ड से बना है प्लानिट जिसका मतलब होता है वॉन्डर वॉन्डरन मतलब जो इधर उधर घूमते रहना है तो प्लानिट घूमते हैं ना सर के सन के अराउंड सूर्य के अराउंड इसीलिए ने नाम से पड़ा है ये भी सेलेस्टियल बॉडी है क्योंकि यूनिवर्स में प्रेजेंट है ब्रह्मांड में प्रेजेंट है इनकी अपनी ये इंपॉर्टेंट है जानना इनकी अपनी गर्मी या इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है और ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं सूरज से इनको जो रोशनी मिलती है ना उसी को ये वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं अब ये सन में सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ इस तरीके का ऑर्बिट होता है जो एलिप्टिकल पार्ट एलिप्टिकल पार्ट मतलब ऐसे ओवल शेप का होता है ना अंडाकार शेप का इस तरीके के पाथ में ये घूमते हैं सन के अराउंड आठ अभी पहले प्लूटो भी था 2006 तक अब उसको डोर्फ प्लान में माना जाता है अब उसको प्लानट नहीं माना जाता उसको डोर प्लान बोला जाता है ये आई ने डिसाइड किया था आई का फुल फॉर्म आप मुझे नीचे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में अब हम अगर सूरज से दूरी देखें प्लान की तो ये हैं सारे planets, है सारे प्लैनेट्स। मरकरी सबसे नज़दीक है नेपच्यून सबसे दूर है अर्थ तीसरा नज़दीक प्लानट है तो मरकरी, वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरन नेपच्यून नाम आपको याद होने चाहिए अब है कुछ इनर प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स मतलब जिनको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं रॉकी भी बोलते हैं मतलब जो अंदर की तरफ है तो ये चार प्लैनेट जो है मरकरी वेनस अर्थ और मार्स ये सूरज से नज़दीक है रॉक के बने हुए हैं और जो बाहर के चार प्लैनेट हैं जुपिटर सैटन यूरनस नेपच्यून ये आउटर बाहरी प्लानट बोलते हैं इनको गैस के बने होते हैं और इनको जोवियन भी बोलते हैं जोवियन मतलब जो जुपिटर जैसा है तो ये सन से दूर है बड़े प्लानट हैं गैस और लिक्विड के बने हुए हैं अर्थ क्या है तीसरा सबसे नजदीक प्लान है इसके शेप को जियोइड बोलते हैं ये टर्म जे एफ लिस्टिंग ने दिया था जियोइड मतलब होता है अर्थ का अपना शेप यूनिक शेप ठीक है उसके जैसा फिर और नहीं है कोई शेप तो अब ये क्या होता है कि पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हल्का सा ऐसे फ्लैट सा होता है एकदम परफेक्ट गोल नहीं होता है और इक्वेटर के पास हल्का सा चौड़ा सा हो जाता है हल्का सा बल्ज मतलब हल्का सा एक्स्ट्रा निकला हुआ तो ऐसा और यहाँ पे हल्का सा ऐसा होता है यूनिक प्लानट है क्योंकि लाइफ सिर्फ यहाँ अर्थ पर ही होती है क्यों क्योंकि हमारे एक एटमोसफेयर है मतलब जो पूरा अर्थ एयर सब जो है वो अर्थ को सराउंड करता है पृथ्वी को घेर के रखता है जैसे ऑक्सीजन ओजोन वगैरह गैस प्रेजेंट होते हैं फिर वाटर है हमारा पानी जो है वो तीनों फॉर्म में होता है ठीक है ना लिक्विड तरल पदार्थ में भी होता है सॉलिड ठोस भी होता है गैस में भी होता है उसका तीन चौथाई हिस्सा जो है अर्थ का वो पानी से ही भरा है तो ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल नीला नीला दिखता है इसलिए इसको ब्लू प्लान भी बोलते हैं टेम्परेचर जो हमारा है तापमान वो ना तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है बीच का होता है तो रहने लायक होती है कंडीशन सैटेलाइट जो है उपग्रह क्या होते हैं ये भी सेलेस्टियल होते हैं पर ये अब के के ग्रह के अराउंड घूमते हैं जो अर्थ है या प्लानट है वो सन के अराउंड घूमते हैं अब ये सैटेलाइट उपग्रह जो है वो प्लैनेट ग्रह के अराउंड घूमते हैं तो ये क्या होता है सन ही से जो इनको लाइट मिलती है वही वो रिफ्लेक्ट करते हैं ये दो तरह के होते हैं नेचुरल जो प्राकृतिक हुए मैनमेड जो

अब चांद के बारे में क्या देखें कि इनका जो डायमीटर है डायमीटर तो आपको पता है ये जैसे रेडियस होता है सॉरी मुझे उसका फुल वो हिंदी नहीं पता ये जैसे रेडियस हाफ होता है तो इस पूरे को डायमीटर बोलता है ये अर्थ के साइज़ का लगभग एक चौथाई है और ये हमें बड़ा दिखता इसलिए है क्योंकि बाकी जो और सेलेस्ट्रियल बॉडी हैं बाकी जो बॉडी है जो ब्रह्मांड में उनसे ये नज़दीक है हमारे तो इससे थोड़ा सा बड़ा दिख जाता है और ये लगभग सताइस दिन में अर्थ के अराउंड घूम के अपना एक पूरा और वो कवर करता है उतना ही टाइम वो अपने एक्सिस पर भी अपनी धुरी पर भी घूमने के लिए लेता है अर्थ के अराउंड भी और अपनी धुरी पर भी अब उसमें क्या होते हैं थोड़े माउंटेन्स वगैरह हो गए पहाड़ वगैरह हो गए क्रेटर थोड़ा गड्ढा हो गया वैली हो गई या और भी चीजें होती है तो हमें अगर हम वैसे मून को देखेंगे चांद को देखेंगे तो हल्का सा नहीं दाग सा दिखता है उस पर वो इसीलिए होता है क्योंकि उस पर ये सब लैंडफॉर्म प्रेजेंट होते हैं और जब हम अर्थ से देखते हैं तो वो उसका छाप छोड़ देते हैं ना शेडो ऐसा दिखता है छाय, छाया सा होता है अब वहाँ पर पानी भी नहीं है और एयर भी नहीं है अब जब फुल मून होता है पूरा चांद होता है तो उसको क्या बोलते हैं पूर्णिमा है तो पता ही है सबको उस टाइम क्या होता है मून में पूरी लाइट हो रही होती है सन की तो पूरे मून पर लाइट पड़ रही होती है तो इसलिए फुल मून दिखता है पूर्णिमा और जब बिल्कुल भी मून में लाइट नहीं दिखता है तो न्यू मून होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे पहला इंसान जो मून पे गया नील आर्मस्ट्रॉग यूएसए और इंडिया का जो सबसे पहला सक्सेसफुल था मून मिशन वो था चंद्रयान एस्ट्रॉइड क्या होता है पत्थर के ही बने होते हैं ये सब बॉडीज ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं ये भी सन के अराउंड घूमते हैं मेट्रॉइड भी रॉक के होते हैं उड़ते होते हैं पर सर के अराउंड ही घूमते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं ठीक है कभी कभी नियर भी आ जाते हैं नज़दीक भी आ जाते हैं वैसे बाहर होते हैं मेटियोर्स क्या होते हैं वही मेट्रॉइड वही रॉकी ऑब्जेक्ट उड़ते हुए ऑब्जेक्ट पर वो अब अर्थ के एटमोसफेयर से पास कर रहे होते हैं तो वो मेटियोर्स हो जाते हैं जो और ना जब क्या होता है कि एयर से मिलते हैं हवा से होते हैं तो फ्रिक्शन रगड़ाते हैं तो फिर वो गर्म हो जाते हैं और बर्न जलने लगते हैं तो एक लाइट सा स्पार्क सा निकलता है चिंगारी सी तो इसको शूटिंग स्टार टूटता तारा जो होता है यही होता है मेटियोराइट क्या हो गया ये भी अर्थ एटमोसफेयर से पास करते हैं फिर अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं तो ऐसे गड्ढा कर देते हैं इसमें आयरन होता है मेनली कॉमेट्स क्या होते हैं ये गैस और डस्ट के बने होते हैं इनका लंबा सा पुच्छल तारा जो बोलते हैं है, और ये सन के अराउंड घूमता है हेली कॉमेट उन्नीस में आया था अगला दो में आएगा ये स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको ये देखने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से पास जा रही है कि दूर जा रही है ये है फिगर सोलर सिस्टम का आप देखेंगे ये सारे प्लैनेट्स हैं यहाँ एस्ट्रॉइड है मार्स और जुपिटर के बीच में ये मून है अर्थ के अराउंड ये कॉमेट है और ये मेट्रॉइड है तो ये आप सारा देख लेंगे और याद कर लेंगे प्लैनेट्स के नेम शुरू करते हैं आप प्लीज ओवरव्यू लेसन देखने के बाद ही ये वाला लेसन करिएगा फर्स्ट लेसन भी बिल्कुल देखिएगा पर ओवरव्यू इसलिए क्योंकि वहां मैंने कुछ बातें कही हैं जो आपको हर लेसन के पहले एक बार पता होना जरूरी है तो आप एक बार जरूर ओवरव्यू देख लीजिएगा ठीक है तो हमने जो दूसरा लेसन है उसको दो हिस्सों में बांटा है ये वाला पहला है जो बात करता है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तो फर्स्ट इसके बारे में जाने से पहले हम देखेंगे ये ग्लोब क्या होता है वैसे तो आप सबको पता है ये ग्लोब क्या होता है अर्थ का मॉडल होता है अर्थ को जब हम एक मॉडल पूरे विश्व को जो एक मॉडल फॉर्म में हाथ में लेकर के ग्लोब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे कैसे कहाँ पे कॉन्टिनेंट है कहाँ पे क्या है वो सारी चीजें उसमें डिटेल में दी हुई होती है तो ये वर्ड एक लैटिन वर्ड ग्लोबस है उससे बना हुआ है का मतलब होता है कोई भी गोल शेप की जो बॉडी होती है या जो गोल हो गया उसको ग्लोब मतलब इस वर्ड का मतलब होता है और ग्लोब इसीलिए राउंड शेप का होता है और ग्लोब में क्या क्या होता है बहुत सी चीजें होती है बट हम कुछ बेसिक्स देख लेंगे कि जोग्रफिक कॉर्डिनेट ज्योग्राफिक कॉर्डिनेट मतलब जैसे जो पैरेलल्स या मेरीडियंस पैरेलल्स हो गए ना और मेरीडियंस लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं उससे क्या होता है कि हमें ग्लोब पर कोई भी जगह अगर लोकेट करना है पहचाननी है और मैंने आपको अगर उसके लोकेशंस दे दिए कि ये लैटिट्यूड है वो लैंग्च्यूड है इतनी डिग्री पर लोकेटेड है तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे इसलिए वो प्रेजेंट होता है एक्सिस होता है क्या जिस पर जैसे अर्थ पृथ्वी अपनी धूरी पर घूमती है तो ग्लोब का भी एक एक्सिस होता है ना जिसके अराउंड उसको हम ऐसे करके घुमा देते हैं गोल घुमाते हैं तो तो वो एक इमेजिनरी एक मानी हुई लाइन होती है जिसके अराउंड कोई भी बॉडी या ग्लोब जो है वो रोटेट करता है और ये टिल्टेड मैनर में होता है ये ऐसे झुका हुआ मैनर में होता है सीधा नहीं होता है इस पर दो पॉइंट्स भी होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ये है ग्लोब यहाँ पर नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ पोल है ये इसका फ्रेम है ये डार्क वाला ग्लोब का और फिर ये एक्सिस है नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ती है और ग्लोब ऐसे ऐसे करके उसी पर स्पिन करता है घूमता है ठीक है ये झुका हुआ ग्लोब है और ये जोग्राफिक कोर्डीनेट्स हो जाएंगे जो आपके लॉन्गी और लैटिट्यूड हो जाएंगे अभी क्या है एक्सिस ऑफ अर्थ और ये जो धूरी है ये कैसी है ठीक है ये एक तो इमेजिन की हुई मानी हुई लाइन है और ये झुकी हुई है तो अर्थ के केस में ये जो झुकी हुई एक्सिस है इसको बोलते हैं ओब्लिक्विटी और ये मॉडरेट टिल्ट होता है मॉडरेट मतलब हल्का झुका हुआ होता है ऐसे पूरा का पूरा झुका नहीं होता है ये सीधा है तो हल्का झुका होता है अब यह एंगल याद रखना बहुत जरूरी है तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा ये देखिए ये एक्सिस है अर्थ की जिसपे अर्थ पृथ्वी जो है से घूम रही है और ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा है जीरो डिग्री पर अब ये वाला जो प्लेन है ये अर्थ के ऑर्बिट का अर्थ सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से अंडाकार शेप में इस तरीके के ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है तो ये उसका प्लेन है और ये वाला लाइन इसी प्लेन का वर्टिकल है यानी सीधे उस पर नाइन्टी डिग्री बनाता है तो अगर एक्सेस और इस लाइन अर्थ का जो ऑर्बिट वाला प्लेन है उसके बीच का एंगल जानना होगा तो ये सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री है साढ़े छियासठ डिग्री और एक्सिस और इस परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल जानना होगा तो ये साढ़े तेईस डिग्री है तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक्सिस इसके साथ क्या एंगल बनाता है और इसके साथ क्या एंगल बनाता है कंफ्यूज मत करिएगा वरना वो जरा सा मिस्टेक एमसीक्यू में गलत हो जाएगा अब पैरल्स ऑफ लैटीट्यूड अब पैरल्स जाने से पहले हम देखेंगे ये लैटीट्यूड क्या होता है मुझे एग्जैक्टली exactly ध्यान नहीं आ रहा बट शायद इसको अक्षांश बोलते हैं अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में सही करेंगे अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है तो लैटीट्यूड क्या होता है हम वैसे मान लेते हैं कि ऐसा सारी ये जो पैरलर लाइंस होते हैं इनको ही लैटीट्यूड uh, भी बोलते हैं नहीं इनको पैरल्स बोलते हैं लैटीट्यूड किसको बोलते हैं जब हम एंगल में डिस्टेंस को नापते हैं ठीक है दूरी नापते हैं एंगल में ठीक है कितना डिग्री लोकेटेड है नॉर्थ या साउथ ऑफ़ द इक्वेटर तो इसके उत्तर में या इसके दक्षिण में इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में या दक्षिण में जब हम दूरी नापेंगे एंगल के टर्म्स में तब वो लैटीट्यूड कहलाता है कैसे नापते हैं आपको ये इमेजिन करना है कि ये वाला जो फिगर है वो एक थ्री फिगर है आपके हाथ में ग्लोब है या एक बॉल है ठीक है तब आप इमेजिन करके इसको आगे समझेंगे अब ये इक्वेटर है तो ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर है सउदर्न हेमिसफेयर है नॉर्दर्न हेमिसफेयर सउदर्न है इक्वेटर पूरे ये विश्व को आई मीन अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटता है हो गया एक गोला और गोल हेमी हो जाता है हाफ तो दो आधे हिस्सों बराबर हिस्सों में बांटता है जिसको क्या बोलते हैं हेमिसफेयर को गोलार्थ तो ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है अब आपने अर्थ का सेंटर अर्थ का बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ देख लिया ठीक है और अर्थ के सरफेस पर एक पॉइंट को ही ले लिया अब इस पॉइंट और सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है ये वाला जो जगह है ये सेंटर से कितने डिग्री पर लोकेटेड है तब हम बोलते हैं कि इस जगह का वो लैटिट्यूड है मतलब ये जगह इतने डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेट होता है तो दस डिग्री बीस डिग्री ऐसे करके हम जीरो से नब्बे बढ़े हैं साउथ में भी होगा एक तरफ ही ले लिया अब मान लो अब ये भी समझना ना कि ये तो एक पूरा सर्कल है अपने आप में इधर आधा साइड तो हमें दिख नहीं रहा है तो इसके पीछे ही ऐसे करके एक सर्कल है तो अब ये एक अगर लैटिट्यूड है इस पर कोई भी जगह जो होगी वो सब बराबरी लैटिट्यूड पर होगी उस सेंटर से हम किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके देखेंगे तो वो इक्वल ही डिग्री पर मतलब एक ही अगर लैटिट्यूड है तो सेम डिग्री पे लोकेटेड होगी अब पैरल क्या होता है वो सारी लाइन जो एक ही लैटिट्यूड पे सारी पॉइंट्स को कनेक्ट करती है अभी जो बताया पैरल वैसे क्या होता है इन जनरल मैथ्स वगैरह भी हम पढ़ते हैं पैरल लाइन तो क्या होता है दो लाइन है जिनके बीच में दूरी हमेशा सेम रहेगी तो पैरल क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि आप देखिए ये लाइन है ये लाइन है ये लाइन है ये सारे पैरल्स हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा सेम है पर क्या घट रहा है इनका अपना लेंथ जो है वो घट रहा है इक्वेटर सबसे ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है तो ये पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे इसका सरकमफ्रेंस घट रहा है तो इसका जो साइज है वो घट रहा है लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है और वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं जीरो डिग्री से यहाँ नब्बे डिग्री तक पहुंच गया है इसी को मैंने यहाँ लिख दिया है पढ़ देती हूँ तो ये सारे लाइंस को कनेक्ट करता है एक ही लैटिट्यूड पे और ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है और बाकी जो लैटिट्यूड है उसके पैरेलल होता है सर्कुलर लाइन होता है बिल्कुल गोल होता है ईस्ट से वेस्ट पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है जीरो से नब्बे डिग्री तक इसको मेजर करते हैं उत्तर में भी और दक्षिण में भी और एक डिग्री लैटिट्यूड लगभग एक किलोमीटर का होता है अब हर दो पैरेलल के बीच जो डिस्टेंस है दूरी है वो हमेशा बराबर ही होती है और लेंथ में यानी सर्कम्फ्रेंस में घटती है जैसे पोल की तरफ जाते हैं और वैल्यू में डिग्री में बढ़ती है इक्वेटर क्या है सारे सर्कल्स में सबसे लार्जेस्ट है सबसे बड़ा सर्कल है इसको ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं इसका जो सकम्फ्रेंस है वो 360 डिग्री का होता है किसी भी सर्कल का सकम्फ्रेंस 360 डिग्री का होता है अब इक्वेटर अर्थ को दो बराबर हिस्सों यानी गोलार्ध में बांट देता है उत्तरी और दक्षिणी अब है कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरल है देख ले ये इक्वेटर है जीरो डिग्री पर यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मेरे ख्याल से इसको कर रेखा बोलते हैं शायद आप मुझे सही भी करते जाएंगे अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ये साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को शायद मकर मकर रेखा बोलते हैं ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ पर है साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण में ये आर्कटिक सर्कल है इसका मुझे नहीं पता हिंदी ये साढ़े छियासठ डिग्री नॉर्थ ये अंटार्कटिक सर्कल साढ़े छियासठ डिग्री साउथ ये नॉर्थ पोल है बिल्कुल पॉइंट नाइनटी डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल नाइनटी डिग्री साउथ अब है हीट जोन अब क्या होता है यहाँ देखेंगे पहले कि ये सन से जैसे यहाँ पर रेज आ रही है हीट आ रही है तो ये अर्थ अलग अलग ये लैटीट्यूड है तो जो डायरेक्ट रे आ रही है वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉइन के बीच में आ रही है और जैसे जैसे पोल की तरफ जाती है ये रेट रेस ठीक है ये जो किरणें तो वो कम स्लैंट टेढ़ी होती चली जाती है तो यहाँ पर अब सीधी जाएगी तो क्या होगा यहाँ ज़्यादा पड़ेगा और गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी मतलब जे ज़्यादा अमाउंट जो होगा रेस का किरण का वो भी ज़्यादा होगा और उसकी वजह से गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी अब यहाँ पर तो कम होता चला जाएगा तो हर एरिया में हीट बराबर नहीं होगा इस वाले एरिया में ज्यादा होगा यहाँ थोड़ा कम होगा यहाँ तो फिर बिल्कुल ही कम होता चला जाएगा तो इसीलिए हमने अर्थ को हीट जोन अलग अलग जोन गर्मी के हिसाब से बांट दिया है क्योंकि अर्थ के रेस जो है वो थोड़े वर्टिकल सीधे भी होते हैं और तिरछे भी होते हैं फिर अर्थ का जो सारा हिस्सा है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिसीव करता एक जैसा हीट उसको नहीं मिलता तीन हीट जोन से क्योंकि ट्रॉपिक के बाहर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के आगे हीट नहीं मतलब कम जाती है वर्टिकल सीधा जो पड़ता है वो ट्रॉपिक के ही बीच में रह जाता है और उसके आगे तिरछी हो जाती है ये हमने देख लिया तो अब जो तीन हीट जोन्स हैं वो ये हैं पहला है ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन दूसरा टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन ये इसकी डिग्री में डिटेल्स है यहाँ है सन बिल्कुल ओवरहेड होता है गर्म होता है सूखा होता है और यहाँ डायरेक्ट रेस पड़ती है और वह पूरे साल भर जो है गर्म रहता है टेम्परेट में हल्की मॉडरेट बीच बीच की हीट होती है हल्का गर्म हल्का ठंडा और ट्रॉपिक कैंसर और कॉपरिकॉन के बाहर डायरेक्ट हीट नहीं जाता है फ्रिजिड जोन क्या होता है बिल्कुल ठंडा जोन होता है और ये उसकी डिग्री है छियासठ से नब्बे ऊपर और नीचे दोनों ये फिगर है ये आपका गर्म जोन है टॉरिट जोन ये टेम्परेट जोन है यहाँ 23 थ्री से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से सिक्सटी थ्री हाफ और यहाँ भी 23 थ्री हाफ से सिक्सटी सिक्स हाफ ये 66 सिक्स हाफ से नॉर्थ पोल और 66 सिक्स हाफ से साउथ पोल ये वाला फ्रिजिड है बिल्कुल जमा हुआ क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल गर्मी ठीक से नहीं पहुँचती है तो ठंड होती है अब है मेरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हिंदी मुझे नहीं पता आ, पर ये जो टर्म है मेरीडियन ये इसका जो मेन मतलब होता है दो वर्ड से ऐसे बना मेरी और डीएन डियन मतलब तो दिन हो जाता है मेरी मतलब होता है जब सूरज बिल्कुल अपने सबसे ऊंचाई के पोजीशन पर होता है आसमान में तो दिन का वो वक्त जब सूरज सबसे ऊंचाई के पोजीशन में होता है वो कौन सा होता है बीच का बारह बजे नून जो होता है दोपहर तो इसलिए मेरिडियन का मेन मतलब ये होता है अब यहां जब हम पढ़ते हैं तो हम मेरिडियन क्या समझते हैं कि ये जैसे अर्थ है तो सेमी सर्कल आधा सर्कल सर्कल हो गया पूरा गोल तो ये आधे सर्कल जो लाइन होते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जोड़ते हैं और बराबर साइज के होते हैं उनको मेरिडियंस कहते हैं और इक्वेटर को ये 90 डिग्री पर काटते हैं ये सब बराबर होते हैं और पोल पे कन्वर्ज करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कन्वर्ज कन्वर्ज मतलब एक जगह से जाके पॉइंट होके मिल जाते हैं और डाइवर्ज करना क्या होता है अलग हो जाना होता है तो ये कन्वर्ज करते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पोल पे घटते चला जाता है एक मेरिडियन ये है दूसरा मेरिडियन ये है तो इक्वेटर पे इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहेगा और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पोल की तरफ ये पतले होते चले जाएंगे घटते चले जाएंगे इनको नापते हैं जीरो से एक डिग्री तक ईस्ट और वेस्ट में यानी पूर्व और पश्चिम में अब प्राइम मेरिडियन क्या है प्राइम क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी तो प्राइम मेरिडियन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियन तो वो मेरिडियन जो लंडन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास करता है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं जीरो डिग्री पे नापते हैं इसको जैसे इक्वेटर को जीरो डिग्री पे नापते हैं अब क्या है ये अर्थ को दो हिस्सों में फिर से बांट देता है बराबर गोलार्ध में फिर से बांट देता है वो उत्तरी और दक्षिणी में बांटता था इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन क्या ईस्टर्न और वेस्टर्न पूर्वी और पश्चिमी में, में बांट देता है तो ये प्राइम मिनिस्टर प्राइम सॉरी प्राइम मेरिडियन हो गया जीरो पे इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न हो गया अब लॉन्गिट्यूड क्या है जैसे लैटीट्यूड होता था कि एंगल में ही हम डिस्टेंस को नापते हैं बस वो नॉर्थ और साउथ उत्तर और दक्षिण में नापते थे और ये ईस्ट और वेस्ट पूर्व और पश्चिम में नापेंगे प्राइम मेरिडियन के और क्या होता है हर दो मेरिडियन के बीच का मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्टेंस इक्वेटर पर होता है अभी बता दिया यहाँ इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होगा पोल तक जाते जाते कम हो जाएगा और जीरो और वन डिग्री जो है वो दोनों हेमिसफेयर के लिए कॉमन होता है मतलब ये जैसे इधर वाले ईस्टर्न हम है वेस्टर्न है तो जीरो जो है इसके लिए भी कॉमन होगा इसके लिए भी कॉमन होगा और जीरो के ही ऑपोजिट में एक सौ अस्सी है तो वो भी इसके लिए भी कॉमन होगा और इसके लिए भी कॉमन होगा अब ये वाला एक फिगर है ये देख लीजिए प्राइम मेरिडियन है जीरो डिग्री पर तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के लिए कॉमन है ये इक्वेटर है ये बाकी मेरिडियन है दस बीस तीस चालीस अलग अलग डिग्री पे ये ऐसे घूम के इधर से एक सौ अस्सी पहुँचेंगे और ये ऐसे घूम के इधर से भी एक सौ अस्सी पहुँचेंगे और बिल्कुल जीरो के जो ऑपोजिट वाला होगा ठीक है आप इमेजिन करेंगे ये बॉल है तो उसके ऑपोजिट में एक सौ अस्सी का होगा वो कॉमन होगा इसके लिए भी इसके लिए भी इधर से भी घूम के जाएंगे पहुंचेंगे इधर से भी घूम के जाएंगे तो पहुंचेंगे अब इनके बीच में देख लीजिए डिस्टेंस क्या इनकी साइज सेम सेम होती है सेम है मतलब लेंथ होता ठीक है और इक्वे लैटीट्यूड में क्या होता था लेंथ एक नहीं होता था जैसे जैसे ऊपर जाते थे घटता जाता था लेंथ ऊपर उनके बीच में दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस सेम होता था अब इनके बीच में डिस्टेंस नहीं सेम होता है यहाँ पर ज्यादा हो जाता है इक्वेटर पर आप देख ही नहीं यहाँ ज्यादा है और ऊपर जाते जाते कम हो जाता है ना दो के बीच में जो है वो पोल पर कम पहुंच जाता है ठीक है अब होता है ग्रिड ग्रिड क्या होता है नेटवर्क ऑफ लाइंस नेटवर्क ऑफ लाइन मतलब दो लाइन आपस में जब एक दूसरे पे ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं काटते हैं तो ये मेरीडियंस है ये वाली लाइन और पैरेलल ये वाली लाइन जब ये दोनों काटती है हॉरिजॉन्टल पैरेलल क्या होता है हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है वर्टिकल ऐसे सीधा होता है ठीक है तो जब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है तो ग्रिड बनता है ग्रिड से क्या और ये नाइन्टी डिग्री पे काटती है राइट एंगल पे ग्रिड से क्या होता है हमें कोई भी जगह को पहचानने में आसानी होती है ठीक है यहाँ पे बता दिया अगर मैंने आपको कि इतना लोकेशन है जो मैंने शुरू में भी बोला था तो आप आसानी से उस जगह को लोकेट कर सकते हैं तो ये इस चैप्टर के लिए इतना ही था अभी हम आगे इसमें एक और टाइम का कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वाले इसी लेसन के अगले हिस्से में देखेंगे अब ये दूसरा हिस्सा है पार्ट बी है दूसरे ही लेसन का पहले वाले में हमने लॉन्गी और लैटिट्यूड पढ़ा था अब यहाँ हम उसी का ये हिस्सा है जिसमें हम टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्चुअली इसको दो हिस्सों में इसलिए बांटा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग कर ली थी एक ही लेसन में दोनों चीज़ें कर देगी तो वो ठीक से कवर नहीं हो पाया था टाइम पंद्रह मिनट का ही होता है रिकॉर्डर का तो वो ख़त्म हो गया था और ये कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी है कि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपको आगे की चीज़ें समझने में मुश्किल होगी तो मैं री रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसको दो अलग अलग लेसन में बांट दिया है ठीक है अब शुरू करते हैं अभी क्या है कुछ भी जानने से पहले ये दो तीन चीजें याद रखनी जरूरी है सबसे पहले क्या अर्थ का सर्कम्फ्रेंस क्या है किसी भी सर्कल का क्या होता है 360 डिग्री होता है पूरा वो 360 डिग्री का चक्कर कवर करता है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं ऐसे लिखते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ऐसे लिखते हैं अभी क्या है लोकल टाइम लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि अर्थ पृथ्वी जो रोटेशन जो अपनी धूरी पर घूमती है वो कितने देर में घूमती है चौबीस घंटे में एक दिन में तो अब 360 डिग्री उसका सरकं है और 24 घंटे में घूमती है मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री कवर हो रहा है तो एक घंटे में कितना कवर होगा 360 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री कवर हो जाएगी अब एक घंटा मतलब 60 मिनट तो 60 मिनट में भी 15 डिग्री कवर हो रही है तो यहां सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है एक घंटा पंद्रह डिग्री ये तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है अब साठ मिनट में पंद्रह डिग्री हो रहा है तो एक मिनट में कितना होगा डिवाइड करेंगे तो एक बाई डिग्री इसका मतलब एक बाई चार अगर चार बार हो जाएगा यानी एक डिग्री बन जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा चार मिनट तो दो चीजें याद रखनी है एक घंटे में पंद्रह डिग्री और चार मिनट में एक डिग्री एक घंटे में पंद्रह डिग्री एक डिग्री चार मिनट ऐसे करके आपको ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीज को समझने के लिए अब क्या है अर्थ क्या है वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है तो लोकल टाइम मेनली क्या होता है कि सन सूर्य जो है अपना शेडो यानी उसकी जो परछाई है वो कब पड़ रही है जब सबसे शॉर्टेस्ट होगी शॉर्टेस्ट कब होगी दोपहर में होगी क्योंकि सन बिल्कुल ओवरहेड सर के बिल्कुल ऊपर होगा ठीक है तो सन जब आपके सर के बिल्कुल ऊपर होगा तो उसकी परछाई सबसे छोटी होगी तो जब भी हम कोई जगह का टाइम देखते हैं तो कैसे शुरू करते हैं मतलब आप ये मानो कि जैसे एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन होता है ना ए एम पी हम बोलते हैं ना वो क्या होता है एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन पीएम हम क्या बोलते हैं बारह बजे के बाद के टाइम को बोलते हैं दोपहर के शाम दोपहर और शाम को और सुबह वाले को ए एम बोलते हैं तो पोस्ट मतलब बाद होता है एंटी मतलब पहले होता है तो हम ना जो भी टाइम देखते हैं ये बारह नून से ही कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो ये तो लोकल टाइम हो जाता है अब उसके आगे भी उसमें एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड टाइम का वो अभी हम देखेंगे अब क्या है कि मान लीजिए ये एक मेरीडियन है जैसे ये प्राइम मेरिडियन है डिग्री पर है तो इस मेरीडियन पे जितने भी जगह होंग, जितने भी जो इस मेरिडियन पर लोकेट होंगे वो सारे पर ना सेम ही टाइम होगा अब सपोज जब प्राइम मेरीडियन या जीरो डिग्री पर क्या है कि सन बिल्कुल हाइएस्ट पॉइंट पर है ठीक है तो जब इस मेरीडियन पे सन अपने सबसे हाइस्ट पॉइंट पर है तो हर जगह जो इस मेरीडियन पर होगी उस पर टाइम बिल्कुल सेम ही होगा यानी क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या टाइम होगा नून होगा दोपहर होगा बिल्कुल बारह बजे तो हर जगह इस मेरिडियन पर बारह ही बज रहा होगा तो ये एक रूल है जो ध्यान रखना है याद रखना है कि हर प्लेस सेम मेरिडियन पे हर प्लेस का टाइम हमेशा सेम ही होगा अब है जब ये वेस्ट टू ईस्ट पश्चिम से पूर्व घूम रही है अर्थ तो क्या है ग्रीनविच यानी जो प्राइम मेरिडियन है जीरो डिग्री उसके जो ईस्ट में पूर्व में जितने भी जगह है वो टाइम से आगे हो जाएंगे आगे हो जाएंगे मतलब अब चूंकि ये पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो अब जैसे यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है ये पश्चिम से पूर्व घूमी तो यहाँ पे जो भी जगह होगा यानी जो ग्रीनविच के ईस्ट में होगा इस जगह पर सूरज पहले उगेगा अर्थ पहले यहाँ पहुंचेगी तो सूरज पहले उग रहा है मतलब यहाँ पर घूम तो अर्थ ही रही है बट चूंकि घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर सूरज का असर पहले होगा और यहाँ पर जो दूसरी जगह है जो ग्रीन विच के पीछे है वहां पर सूर्य का उदय जो है वो बाद में होगा तो इसीलिए जो भी प्लेसेस ईस्ट होंगी वो अहेड टाइम के आगे होंगी और जो भी प्लेसेस वेस्ट होंगी ग्रीन विच के वो पीछे होंगी टाइम के सूरज यहाँ पर पहले उगेगा यहाँ बाद में उगेगा और टाइम डिफरेंस होगा दोनों में अब एक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड टाइम का अब जैसे लोकल टाइम क्या हो जाएगा हर जगह का अलग अलग हो जाएगा जिस जगह पे सूरज पहले उगेगा अब जैसे आप इंडिया ही ले लो ये इंडिया है तो अब वेस्ट इस घूम रही है तो हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह यहाँ पर सूरज पहले उगता है जो कि होता भी है तो यहां पर पहले उगता है अब यहाँ पर जो वेस्टर्न है आपका गुजरात ले लो तो यहाँ पर क्या है सूरज लेट उगेगा तो अब हम अगर अब हर जगह का तो फिर उनके हिसाब से उनका बारह तो पहले बच जाएगा दोपहर तो का इनका बारह बाद में बचेगा तो इनका लोकल टाइम इनका लोकल टाइम तो अलग है तो क्या हो जाएगा कि फिर बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा हर जगह का लोकल टाइम तो अलग अलग होता है तो अब जो एक बड़ा जगह है वहां के लिए फिर हम क्या करते हैं अलग अलग लोकल टाइम लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी कुछ देशों को जरूरत पड़ जाती है अलग अलग जोन में मतलब चलने की क्योंकि वो बहुत ही बड़े होते हैं अपने इंडिया में हम एक ही लेके चलते हैं फिर क्योंकि हम मैनेज थोड़ा कर लेते हैं मतलब आधे मिनट्स को डिवाइड कर लेते हैं रशिया वगैरह जो है बहुत बड़ा देश है तो वहाँ ज़्यादा की ज़रूरत होती है तो अब क्या होता है कि अब एक ही यूनिफॉर्म टाइम ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो अब मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो और आप किसी अरुणाचल प्रदेश में बैठे इंसान को फ़ोन करके बोल रहे हो कि थोड़े देर में बारह बजेगा इस टाइम पे आपको ये काम करना है पर उसका बारह तो तब तक बज ही चुका होगा ना तो पैहर की जो मतलब बारह नून है वो तो हो ही चुका होगा उसके लिए वो टाइम तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा तो अब पूरे कंट्री में एक ही टाइम फॉलो करने की जरूरत है तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड टाइम जो एक बेस कॉमन टाइम है वो लेके चलते हैं अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है सेंट्रल मेरिडियन जो किसी भी देश या रीजन से बीच में ऑलमोस्ट बीच में पास कर रही होती है या उस मेरिडियन से कोई एक इंपॉर्टेंट शहर पास कर रहा होता है तो हम ये उस उस वाले मेरिडियन के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि वो जो हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लेंगे या टाइम लेंगे वो साढ़े सात -साड़ डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए साढ़े सात -साड़ डिग्री का मल्टीपल मतलब जैसे साढ़े सात का डबल आपने कर दिया तो पंद्रह हो जाएगा फिर ट्रिपल करोगे चार टाइम बढ़ाओगे पांच टाइम तो उसी के मल्टीपल में चलना है क्यों क्योंकि हमने देखा था कि एक घंटा पंद्रह डिग्री होता है तो इसका मतलब आधा घंटा कितना होगा साढ़े डिग्री तो अब एक जो टाइम जोन होता है अर्थ का वो चौबीस मतलब पूरा अर्थ का जो ये है वो चौबीस टाइम जोन में बटा हुआ है और हर जोन एक घंटे का होता है और हर जो मेरीडियन होता है ना वो ऐसे एक जोन के बीच बिल्कुल बीच से पास कर रहा होता है तो अब जैसे ये जोन है ये ऐसे मैंने जोन ले लिया ये मतलब और ये तो इसके बीच में गैप जो है वो पंद्रह डिग्री का है एक घंटे का है मेरीडियन उसके बिल्कुल बीच से पास करेगा तो इधर आधे वाला क्या हो जाएगा साढ़े सात और इधर साढ़े सात हो जाएगा इसीलिए इसका मल्टीपल होता है ताकि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अब टाइम ज़ोन्स वही मैंने बता दिया कि पूरा अर्थ जो है वो चौबीस टाइम जोन हर एक घंटे में बटा हुआ है और हर जोन पंद्रह डिग्री क्योंकि हर जोन में एक घंटा है और एक घंटा तो पंद्रह डिग्री लॉन्गी कवर करता है तो ये है अब जो कुछ बड़ी कंट्रीज है उनकी बहुत बड़ी लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट होती है ठीक है जैसे रशिया हो गया बहुत ही सबसे बड़ा कंट्री लैंड के हिसाब से तो रशिया ही है तो उनको ज्यादा टाइम जोन की जरूरत होती है वो एक ही नहीं लेके चल पाते हैं तो इसलिए उनके पास 11 टाइम जोन है यूएस के पास जैसे चार टाइम जोन है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पास भी एक से ज्यादा है इंडिया में एक ही है अब इंडिया में क्या है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा लॉन्गीट्यूडनल एक्सटेंड क्या है uh, 68 एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट से लेके 97 सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट तो हमारा जो बीच का सेंट्रल मेरिडियन है वो है एटी टू एंड हाफ डिग्री ईस्ट तो ये जो ग्रीनविच है प्राइम मेरिडियन है उससे साढ़े पांच घंटा आगे है मतलब अगर ग्रीनविच पे अभी दोपहर के बारह बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में उसी टाइम पर साढ़े पांच बजेगा शाम का उससे साढ़े पांच घंटा आगे है वहां एक बजेगा तो हमारा साढ़े छह बजेगा उसी हिसाब से गैप कवर होगा ये देख लेते हैं यह इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है सॉरी डिग्री मिनट ईस्ट से लेकर के नाइन्टी और यह सेंट्रल मेरीडियन है जो की एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट तो ये हमारा स्टैंडर्ड मेरीडियन ऑफ इंडिया है और इस, इसके अलॉन्ग जो टाइम होगा वो हम बोलेंगे कि हमारा यही स्टैंडर्ड टाइम है और हम इसी पूरा देश जो है इसी मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होता है उसी को फॉलो करता है अब इंटरनेशनल डेट लाइन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एक इमेजिनरी लाइन है मानी हुई लाइन है वैसे तो हमारी सारी लाइन जो है वो सब मानी हुई ही है ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है लाइन समझने के लिए है और ये इंटरनेशनली अग्रीड है सारे देश इसको मानते हैं इसका कैलकुलेशन मतलब इसकी जो लोकेशन है वो क्या है 180 डिग्री 180 डिग्री जो मेरिडियन है तो जीरो डिग्री क्या है प्राइम मेरिडियन उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो है 180 डिग्री वो है इंटरनेशनल डेट लाइन और वो दोनों हेमिसफेयर के लिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों के लिए कॉमन है अब इसमें सम डेविएशन होते हैं डेविएशन मतलब थोड़ा सा ऐसे ब, आ, बटा हुआ होता है मतलब सीधा नहीं होता है ठीक है जैसे बाकी आ, जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड सब है वो सब बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे हैं तो ये वाला एक सौ अस्सी वाला थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है क्यों ये अभी देखेंगे आ, आगे मैप है जब हम वेस्ट से ईस्ट ठीक है पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो हम एक दिन गेन कर लेते हैं हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है और जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो हमारे पास एक दिन कम हो जाता है पर कहां से पूर्व और पश्चिम करते हैं हम ये इंपॉर्टेंट है जब हम आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन जो एक सौ अस्सी डिग्री की लाइन है उसको क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये इस लाइन को जब हम क्रॉस करेंगे तो पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो एक दिन आज एक्स्ट्रा हो जाएगा पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा अब क्या होता है ये वाली जो लाइन है वो एक टाइम जोन के मिडिल में होती है ये मैंने अभी बता ही दिया है कोई भी लॉन्गिट्यूड जो है वो हर टाइम जोन के बीच में ही होता है इसीलिए साढ़े सात और साढ़े सात डिग्री का गैप होता है तो अब ये जब जो टाइम जोन के बीच में होती है तो क्या होता है कि इसके बीच में लाइन है तो जब हम यहाँ से क्रॉस भी कर रहे होते हैं ना तो टाइम हमारा सेम होता है क्लॉक में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन डेट में चेंज हो जाता है कैलेंडर में चेंज हो जाता है जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं अब ये देखते हैं तो ये वाली 180 डिग्री वेस्ट है और ये 180 डिग्री ईस्ट है अब आपको इमेजिन कैसे करना है ये जीरो डिग्री है प्राइम मेरिडियन इसी के जस्ट ऑपोजिट में मान लीजिए ये एक सर्कल होता है और ये जीरो डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे में होता वो एक सौ अस्सी डिग्री और वो ये कॉमन ही है इधर से जा रहे हैं इसलिए ईस्ट है और इधर से जा रहे हैं तो वेस्ट है।, है वो एक ही लाइन कॉमन लाइन ठीक है तो जब इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है आप देखेंगे यहाँ पर क्या है एक बज रहा है सपोज अभी यहाँ एक बज रहा है मंडे है और फर्स्ट जनवरी एक बज रहा है सुबह का वन ए एम ठीक है अब इधर से इधर जा रहे हैं तो भी यहाँ एक ही बजेगा क्योंकि टाइम जोन मैंने बोला ना सेम है उसी के बीच में बटा हुआ है तो टाइम सेम है लेकिन दिन देखिए बढ़ जा रहा है मंडे से ट्यूसडे हो जा रहा है फर्स्ट जनवरी से सेकेंड जनवरी हो जा रहा है वही इधर से इधर जाएंगे तो एक घट जाएगा वन ए एम टाइम सेम रहेगा लेकिन दिन मंडे हो जाएगा और इधर फर्स्ट जनवरी हो जाएगा और ये जीरो डिग्री है तो ये वन एटी डिग्री इसके बीच में बारह जोन्स है यहाँ भी बारह जोन्स है क्योंकि टोटल में चौबीस जोन है तो अब बारह जोन है तो यहाँ और हर एक घंटे का है तो बारह घंटे का डिफरेंस होगा तो ये वन ए एम यहाँ होगा तो यहाँ पर वन पी एम हो रहा होगा अगर ये वन पी एम होता तो ये वन ए एम होता इनके बीच में और इनके बीच में तो बारह बारह घंटे का ही डिफरेंस होगा लेकिन इनके और इनके बीच में टाइम सेम रहेगा दिन पूरा अलग हो जाएगा तो मान लो आप इस चीज को जैसे लाइन को जैसे क्रॉस कर रहे हो सपोज आप बिल्कुल 180 डिग्री पर क्रॉस कर दे रहे हो तो अभी आपके कैलेंडर में आप यहां रहोगे तो आपको लगेगा अच्छा आज तो फर्स्ट जनवरी है आप सोचोगे ठीक है न्यू ईयर है न्यू ईयर मनाते हैं और मनाते मनाते का प्लान करते करते आप क्रॉस कर जाओगे यहाँ पर और जैसे ही क्रॉस करोगे आपको सब बोलेंगे इधर जो लोग रह रहे होंगे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो सेकंड जनवरी है न्यू ईयर मतलब ऐसे तो न्यू ईयर जनवरी पर मना लो बट फर्स्ट है तो वो तो पार हो गया कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर फिर वही उल्टा हो जाएगा आप प्लानिंग पहले कर लोगे कि कल कल मनाना है और जैसे ही इधर पहुंचोगे पता चलेगा लोग तो ऑलरेडी मना रहे हैं तो ये एक मतलब मानी हुई चीज़ है ये इंटरनेशनली अग्री होता है यहाँ पर कि इस लाइन को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं ये इस तरीके से डेट और टाइम में चेंजेस क्या क्या हो जाते हैं तो टाइम तो नहीं बदलता है डेट बदल जाता है अब क्या दिक्कत है कि ये है जैसे देखिए मैंने बोला ना डेविएटेड है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा है आड़ा टेड़छा है क्यों अब यहाँ क्या है अब जैसे यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ठीक है यहाँ आइलैंड्स में जो ऐसे रह रहे हैं लोग उनके साथ क्या परेशानी हो जाएगी उन्हीं के एरिया में मान लीजिए अगर ये लाइन ऐसे सीधा जा रहा होता यहाँ पर भी लोग हैं यहाँ पर भी लोग हैं तो अगर यही ऐसे क्रॉस कर जाती तो इनको कितना कन्फ्यूजन होता उनको अपने एरिया में पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा डे है टाइम तो सेम दिखा देता डे दे बदल जाता तो इस लाइन को ऐसे टेढ़ा इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ ये ओशन पैसिफिक ओशन से क्रॉस करेगा ताकि जो रहने वाले जो भूमि पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो उनके टाइम में कंफ्यूजन नहीं हो अब ओशन से क्रॉस करेगा तो ओशन में तो कोई रहता नहीं है तो इसीलिए डेविएट होता है ऐसा टेढ़ा होता है तो ये पूरा आइडियल जो है इंटरनेशनल डेट लाइन इसका कॉन्सेप्ट यही था आई होप आपको ये स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम और ये समझ आया हो कोई भी डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप खुद से अपने मैप को लेके एक बार डिटेल में उसको स्टडी करेंगे एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे ज़्यादा समझ आ जाएगा तो अभी के लिए इतना ही आप आगे के लेसन भी प्लीज़ देखते रहिएगा यहाँ पर हम थर्ड लेसन पर हैं तीसरा आप प्लीज़ इसके पहले बाकी के दोनों लेसन और दूसरे में तो दो हिस्से हैं तो तीन हो गए टोटल में और ओवरव्यू लेसन आप बिल्कुल ये सब देखिएगा तभी यहाँ पर आइएगा कॉन्सेप्ट तभी समझ पाइएगा Uh, यहाँ पर हम बात करेंगे पृथ्वी के मोशंस किस किस तरीके का उसमें मूवमेंट होता है उसकी ठीक है तो फर्स्ट है दो तरह के मेन मोशंस हैं पृथ्वी के रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो रोटेशन क्या है जब पृथ्वी अपनी धूरी पर अपनी एक्सिस पर ही घूमती है तो अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूमती है स्पिन करती है उसको रोटेशन कहते हैं ये 24 घंटे का वक्त लेती है यानी हमारे लिए जो एक दिन होता है 24 घंटे का उसमें वो एक रोटेशन पूरा करती है इसको अर्थ डे भी बोलते हैं और इस रोटेशन से क्या होते हैं डेज एंड नाइट होते हैं दिन और रात जो है ये होने की वजह क्या है रोटेशन है जब अर्थ घूमती है तो जब सन ऐसे घूमती है कि सन की रेज उस पर पड़ रही होती है जिस जिस एरिया में पड़ती है वहाँ दिन हो जाता है जिस एरिया में अंधेरा रह जाता है वहाँ रात हो जाता है और ये एक जो सर्कल है जैसे अगर अर्थ यहाँ है और यहाँ से सन की लाइट पड़ रही है तो जिस एरिया में लाइट पड़ेगा और इधर डार्क पड़ेगा तो एक सर्कल हाफ ऑफिस इसको डिवाइड करता है उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हम देखेंगे अभी जस्ट आगे तो अर्थ जो है पृथ्वी घूमती कैसे है पश्चिम से पूर्व की तरह यानी एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुई की दिशा होती है उसके उल्टे में घूमती है और अर्थ की जो टिल्ट है जो झुका हुआ अर्थ का टिल्ट है उसका जो इंक्लीनेशन वही जो झुकाव है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना बनाता है अर्थ की जो ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है उसके साथ साढ़े छियासठ डिग्री का एंगल बनाता है ये मैंने बताया हुआ है एंगल याद रखिएगा और जो एक्सियल टिल्ट है जिसको ओब्लिकिटी भी बोलते हैं वो स, अ, मतलब एक्सिस जो ये जो वर्टिकल प्लेन होता है इस ऑर्बिटल प्लेन का जो वर्टिकल प्लेन है ये वर्टिकल लाइन है जो यहाँ नाइनटी बनाता है तो एक्सिस इस वाले लाइन के साथ साढ़े तेईस डिग्री बनाता है ये मैं भी बता रही थी सर्कल ऑफ़ इल्यूमिनेशन के बारे में सन की रेज पड़ रही है तो इस एरिया में पड़ रही है तो दिन है या नहीं पड़ रही है तो रात है और ये वाला लाइन सर्किल ऑफ ये है इल्यूमिनेशन है अब क्या होता है यहाँ पर वर्टिकल रेज जो डायरेक्ट रेज होती है सन की वो पड़ रही होती है और धीरे धीरे इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ तिरछी स्लैंड रेस पड़ने लगती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जब वर्टिकल पड़ रही होती है तो इनके पास ज्यादा हीटिंग होती है और यहाँ कम हो जाती है इसीलिए अनइक्वल हीटिंग होती है अर्थ पे और ये जो टिल्टेड ये जो झुका हुआ एक्सिस है ये हमेशा पोल स्टार पोल स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको शो करता है उसकी तरफ इशारा करता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस से हमें डायरेक्शन का दिशा का जो है वो भी पता चलता है कैसे जो ध्रुव तारा होता है नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी तरफ भी ये इशारा करता है ठीक है अब अगला है जो हम देखेंगे वो होगा रिवॉल्यूशन पहला रोटेशन देख लिया जब पृथ्वी अपनी धूरी पर घूमती है अब रिवॉल्यूशन पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है किसमें लगाती है एलिप्टिकल ये जो अंडाकार शेप का जो ये ऑर्बिट होता है पाथ जो होता है उस पर घूमती है कितना वक्त लेती है तीन डे और फिर एक दिन का और एक चौथाई हिस्सा मतलब एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं तो एक चौथाई कितना हो जाएगा छः घंटे तो तीन सौ पैंसठ दिन हो छः घंटे तो तीन सौ पैंसठ दिन को तो हम एक साल लेके चलते हैं अब छः घंटे भी जोड़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए साल को कैलकुलेट करना न्यू ईयर कैसे मनाओगे फिर तो छः जो घंटे सॉरी छः घंटे जो हो जाते हैं उसको फिर हम क्या करने लग जाते हैं कि हर चार साल पर फरवरी के महीने में उस एक दिन को ऐड कर देते हैं इसी वजह से हर चार साल में फरवरी में उनतीस दिन हो जाते हैं वैसे अट्ठाईस रहते हैं तो उस वाले साल को जिसमें तीन सौ छियासठ दिन होते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अगला वाला लीप ईयर कब है और सिर्फ ईयर देख के हम लीप ईयर कैसे पता चल मतलब कैसे पता कर सकते हैं सिर्फ ईयर का नाम ही देख के जैसे अगर दो है तो कैसे पता चलेगा कि यह या ईयर है कि नहीं है अब इस रिवोल्यूशन से क्या होता है चेंज ऑफ सीजन होता है ठीक है मौसम में बदलाव आता है मौसम मेनली हम किस किस तरीके का देखते हैं इंडिया में गर्... इंडिया में क्या वैसे तो हम पूरा ओवरऑल लेके विश्व की बात ही कर रहे हैं पर हम जब समझेंगे तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसके हिसाब से समझेंगे क्योंकि इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है तो गर्मी सर्दी स्प्रिंग और ऑटम ये तो वसंत हो गया और ये ऑटम जब ठंड शुरू होने वाली होती है उसके पहले तो Uh, अब कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्दर्न हेमोस्फेयर जो उतली गो गोलार्ध है उसमें जो सीजन होगा और जो सदर्न हेमिसफेयर होगा दोनों में जो सीजन होगा वो हमेशा ऑपोजिट होगा क्यों ऑपोजिट होगा क्योंकि अर्थ का जो पोजीशन है जब वो सन के अराउंड घूमती है अर्थ है सॉरी सन है और अर्थ इसके अराउंड घूम रही है तो उसके पोजीशन में बदलाव होता है तो कब किस वाले हेमिसफेयर को कब किस वाले गोलार्ध को कैसे सन की रेज मिलती है उसी के हिसाब से उनका सीजन चेंज होता है इसीलिए ये ऑपोजिट होता है और पोल्स की तरफ हम जैसे जैसे जाते हैं रेस स्लैंड होती है तिरछी होती है तो उसमें जो इंटेंसिटी या ड्यूरेशन जितने ज़्यादा वक्त के लिए गर्मी पहुँचती है या जितनी ज़्यादा गर्मी पहुँचती है अमाउंट में वो भी चेंज हो जाता है अब है दो टर्म हम यहाँ पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे सोल्स्टिस के बारे में और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विनॉक्स तो सबसे पहले सोलस्टिस क्या होता है ये वैसा साल का वैसा वक्त होता है वैसा टाइम होता है जब सन का जो वर्टिकल रेज जो सीधी रेज आ रही होती है वो किसी एक ट्रॉपिक पर पड़ेगी अब जैसे ये अर्थ है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कैप्रिकॉर्न है तो सन की डायरेक्ट रेज या तो इस पर पड़ेगी या तो इस पर पड़ेगी तो वो साल का वो वक्त जब या तो सन की डायरेक्ट रेज इस पर पड़ रही होती है या इस पर पड़ रही होती है तो उसको सोल्सटिस बोलते हैं अब ये दो कौन से हैं कैंसर और कैप्टिकॉर्न है ठीक है अब ये सॉल्सटिस मेनली जनरल टर्म्स में बोलें तो ऐसा वक्त होता है जब सन लगता है ना जैसे कि रुक गया स्टिल हो गया रुक गया है क्यों क्योंकि उसका जो हाइएस्ट पॉइंट है किसी भी हेमस्फेयर में वो ट्रॉपिक ही है ट्रॉपिक से ऊपर सन की डायरेक्ट रेज नहीं जाती है ये मैंने शुरू में ही पढ़ाया था उसके आगे बस वो तिरछी हो जाती है बहुत कम मिलती है तो अब इस हेमिसफेयर में इसका हाइएस्ट क्या होगा कैंसर और नीचे वाले में कैप्रिकॉर्न तो यहां और यहां सन अपने हाइएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है और हल्का सा रुक सा गया है ये मतलब एक समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होता है सॉलस्टिस को समझने के लिए दो तरीके का सॉलिस पढ़ेंगे समर और विंटर समर सॉलस्टिस क्या होता है 21 जून को होता है जब हमारा सबसे लंबा दिन होता है हम इंडिया के हिसाब से चल रहे हैं ठीक है नॉर्दर्न हेमस्फेयर के हिसाब से सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है इसमें क्या होता है कि पूरा जो उत्तरी गोलार्ध है ये सन की तरफ झुका हुआ होता है फिगर आप ध्यान से देखेंगे ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना ये देखो सन है और यहाँ पर अर्थ की पोजिशन है इक्कीस जून को जो समर सॉल्स्टेस है अभी क्या बोला मैंने कि जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सन की तरफ देखो झुका हुआ है ना टिल्ट है ये वाला इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और सन की डायरेक्ट रेज बिल्कुल देखो स्ट्रेट रेज किस पे पड़ रही है कैंसर पे पड़ रही है और साउथ पोल जो है ये अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल वाला एरिया भी सन से बिल्कुल दूर है यहाँ बिल्कुल अंधेरा है डार्क है तो अंधेरा है और यहाँ दिन है और ये जो आर्कटिक सर्कल के बाहर का जो एरिया है ये आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का एरिया देखो पूरा का पूरा उजाले में है तो गर्मी तो कम पड़ेगी क्योंकि रेस तिरछी हो जाती है पर लाइट तो है उजाले में रहेगी अब यहाँ मैंने समझा दिया अभी लाइंस पढ़ूंगी अभी देखिए तो जो उत्तरी गोलार्ध है वो बिल्कुल झुका हुआ है सन की तरफ और सन की रेस क्या है डायरेक्टली किस पर पड़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ी तो यहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और जो पोल्स हैं वहां तो कम हीट होती है क्योंकि रेस तिरछे होते हैं स्लैंट होते हैं तो नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ज्यादा पड़ रहा है तो गर्मी है और आर्कटिक सर्कल जो मैंने अभी दिखाया आर्कटिक सर्कल के इधर ऊपर का एरिया जो है यहाँ पर पूरा छः महीने तक ही कंटिन्यूस डे लाइट हो जाती है क्यों क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा एरिया सन के लाइट के एरिया में कवर हो जा रहा है तो 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है सबसे छोटी रात होती है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में सब उल्टा हो रहा होता है ठंड होती है उनके वहाँ हमारे यहाँ जून में गर्मी होती है तो उनके वहाँ ठंड होती है उनकी रातें बड़ी होती है और उनके दिन छोटे होते हैं ये वाला फिगर आगे भी यूज आएगा अभी नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है विंटर सॉल्स का एक हमने पढ़ लिया समर एक पढ़ेंगे हम विंटर वो था इक्कीस जून का ये है बाईस दिसंबर अब यहाँ उल्टा हो रहा है क्या हो रहा है कि जो साउथर्न हेमस्फेयर है वो अब सन की तरफ झुका हुआ है तो जो दक्षिणी गोलार्ध है ये वाला देख लीजिए दक्षिणी गोलार्ध है ये सन की तरफ झुका हुआ है ये इक्वेटर है ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो यहाँ सन की जो डायरेक्ट रेस पड़ रही है वो इस मकर रेखा पर पड़ रही है कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है और यहाँ अब अंटार्कटिक सर्कल वाले एरिया में छः महीने तक उजाला रहेगा और अपने वहाँ अंधेरा रहेगा तो हमारे जो है नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ये एरिया यहाँ पर ठंडा हो जाता है पर इनका सदन ज़्यादा जो है वो सन की गर्मी को रिसीव कर रहा है और लाइट को रिसीव कर रहा है तो उनके वहाँ गर्मी होती है उनको हीट एंड लाइट ज़्यादा मिलती है गर्मी होती है उनके दिन लंबे होते हैं रात छोटे होते हैं पर हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में उल्टा हो रहा होता है तो बाईस दिसंबर को हमारा विंटर सॉल्स्टिस होता है ठीक है हमारे लिए ठंड होती है और हमारे दिन छोटे होते हैं और मतलब वो जो पर्टिकुलर दिन है हमारा सबसे छोटा दिन होता है उस दिन और सबसे लंबी रात होती है फिर एक चीज़ पढ़ेंगे इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स नाम से समझ आएगा कि कुछ इक्वल से रिलेटेड है तो इक्वल मतलब क्या है कि इक्वल दिन और रात इक्वल दिन और रात का क्या मतलब हो गया अभी आप यहाँ देखेंगे कि क्या है यहाँ पर जैसे सन की रेस डायरेक्टली कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है यहाँ डायरेक्टली कैपरिकॉन पे पड़ रही है अब इस दोनों में सन की रेस किस पे पड़ रही है डायरेक्टली ये देखो इक्वेटर पर पड़ रही है ठीक है यहाँ भी इक्वेटर पर पड़ रही है और कोई भी पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल सन की तरफ झुका नहीं हुआ है यहाँ जैसे झुका है ना नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिसफेयर झुका है या साउदर्न हेमस्फेयर झुका है अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला झुका है और ये वाला भी झुका है नहीं ये झुका नहीं है क्यों क्योंकि देखो फिगर इमेजिन करो आप फिगर कैसे इमेजिन करोगे कि एक टेबल ले लिया यहाँ पर एक छोटी सी बॉल रख दी जो कि सन है ठीक है ये इमेजिन करो कि आप यहाँ खड़े होकर के इस फिगर को देख रहे हो ठीक है या मान लो कि ऊपर से इमेजिन करो ऊपर से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा ये अगर एक बॉल है तो इसके एक साइड का एरिया अगर यहाँ उजाले में दिख रहा है तो इसके दूसरे साइड एक एरिया होगा जो अंधेरे में भी होगा इस पूरे एरिया में सन की लाइट पड़ रही है तो इधर वाला जो दूसरा एरिया होगा उधर अंधेरा भी होगा अब इधर वाला एरिया हमें अंधेरा दिख रहा है तो इसका एक दूसरा एरिया होगा जो अंदर की तरफ से होगा उसमें उजाला भी हो रहा होगा आपको वैसे इमेजिन करना है ये दो दो डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको तो मतलब एक सन यहाँ ले लिया और चार बॉल यहाँ रख दिया अब आप सोचो डायरेक्ट थ्री इमेज के हिसाब से खड़े होकर इमेजिन करोगे तो सूरज की रेस जो है इधर अंदर साइड वाले इधर अर्थ के आधे आधे हिस्से पर पड़ रही है तो उधर वाले एरिया को तो पूरी रोशनी मिल रही है और गर्मी मिल रही है ये वाला पूरा अंधेरा में हो जा रहा है और इधर उल्टा हो रहा है इधर वाला हमें रोशनी वाला तो दिख रहा है पर इसके दूसरी तरफ एक अर्थ का आधा हिस्सा है जहाँ नहीं पड़ रही है तो इसमें क्या है कि जब ये लाइन राइट जो है सन की लाइट जो है डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है तो अर्थ जैसे देखो नॉर्दर्न हेमिसफेयर का आधा हिस्सा ये है जिसको लाइट मिल रही है तो इधर भी आधा हिस्सा है जिसको लाइट नहीं मिल रही है उसी तरह सतर्न हेमिसफेयर का आधा हिस्सा है जिसको लाइट मिल रही है और उधर का भी आधा हिस्सा है जिसको नहीं मिल रही है इधर क्या है नॉर्दर्न हेमिसफेयर का आधा हिस्सा जिसको नहीं मिल रही है तो अंदर की तरफ है नॉर्दर्न हेमिसफेयर का आधा हिस्सा जिसको मिल रही है और सदन में भी सेम है यहाँ नहीं मिल रही है तो अंदर की तरफ से है सेम है मिल रही है तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब अर्थ जो है पूरा इक्वली बटा हुआ है इसके आधे को मिल रही है आधे को नहीं मिल रही है इधर भी बराबर है अब यहाँ क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न को ही ज़्यादा मिल रही है सदन को कम मिल रही है यहाँ सदन को ज़्यादा मिल रही है नॉर्दर्न को कम मिल रही है तो यहाँ पर अन इक्वल है ना और यहाँ दोनों हैमिस्फेयर यानी अर्थ में वो दो दिन ऐसे होते हैं जब बिल्कुल डे और नाइट बराबर होती है जैसे सोल्चिस में हमने पढ़ा लॉन्गर डे शॉर्टर नाइट वगैरह हो जाता है तो इक्विनॉक्स में डे और नाइट जो है वो बराबर होता है अब इसमें क्या होता है सन की रे डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है दिखा दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है अलग मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं कोई ज्यादा झुका नहीं होता है ठीक है कोई भी या तो उसकी तरफ या उससे दूर झुका नहीं होता है तो पूरे वर्ल्ड में उस दिन क्या होता है इक्वल डे और नाइट होती है दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है तो हम दो इक्विनॉक्स होता है एक स्प्रिंग और एक ऑटम स्प्रिंग वाला जो है वो इक्कीस मार्च को होता है ऑटम वाला तेईस सितम्बर को होता है तो जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है तो हमारे नॉर्दर्न हेमिसफेयर में स्प्रिंग हो रही होती है हमारे मार्च के सीजन में स्प्रिंग सीजन है और सर्दर्न हेमिसफेयर में ऑटम होता है जब ऑटम इक्विनॉक्स होता है तो हमारे स्प्रिंग में सदन मतलब सदन में स्प्रिंग हो जाता है और नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में ऑटम हो जाता है तो ये वाला जो फिगर है ये आपको बहुत ध्यान रखना है ठीक है ये मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की आप इसको दो तीन बार ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा टाइम है अगर किसी के पास तो एक बार खुद से बना ले लेना तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैंने इसीलिए खुद बनाया है कि ताकि मैं उसको तरीके से समझा सकूँ वरना बुक में भी अवेलेबल था पिक्चर्स डाली जा सकती थी बट खुद से बनाने पर समझ बहुत अच्छे से आ जाता है और आ, आपको इमेजिन क्या करना है ये पूरा थ्री खेल चल रहा है ठीक है बिल्कुल ऐसे एकदम तो फ्लैट ऐसे बॉल की तरह मत समझ लेना थ्री दिमाग में रखना टेबल पे यहाँ बीच में सन है और इधर चारों भी आपने एक एक बॉल डाल दिए और टॉर्च मारोगे यहाँ से तो क्या होगा यहाँ वाले को लाइट मिलेगी यहाँ वाले को लाइट मिलेगी इधर ये अंधेरे में रहेगा और इधर ये भी अंधेरे में रहेगा फिर इधर से भी मारोगे तो जो पोर्शन ये आपको दिख रहा है इधर तो लाइट हो रही है इसके ऑपोजिट वाले को अंधेरा हो रहा है और इधर जो दिख रहा है हमें दिख उजाल मतलब अंधेरा वाला रहा है और इधर अंदर जो है सन की लाइट जा रही है तो ये चीज़ समझ लोगे तो आपको ये हमेशा लाइफ लॉन्ग ये चीज़ याद रहेगी कि सीजन्स चेंज कैसे होते हैं अब ये ऐसे करके फिर अर्थ का मूवमेंट हो रहा है ये बिल्कुल यहाँ गर्मी हो जाती है ठंड हो जाती है तो जून का महीना है दिसंबर है ये आपका सितंबर है और यहाँ मार्च है तो हर महीने मतलब कुछ कुछ इंटावर पर हमने जो है इसको ऐसे करके चेंज कर दिया है अब आप इस चीज़ को आप अपने से पढ़ें और थोड़ा समझें और अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ रेट करेंगे रिव्यू करेंगे और रिकमेंड करेंगे ना अगले लेसन्स में मिलते हैं ये है लेसन चौथा जो लेसन है ये मैप्स पर है हम देख लेते हैं क्या है सबसे पहले मैप्स क्या है मैप्स क्या होता है जब हम फ्लैट सरफेस पर किसी ऐसी बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे अब आप कागज़ ले लो कोई बोर्ड ले लो कुछ भी ले लो उस पर हम अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं यानी पूरा जो अर्थ है उसको हम ऐसे पिक्चर्स में बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम्स के हेल्प से ठीक है अब ये एक स्केल के हिसाब से होता है स्केल क्या होता है हम अभी जस्ट देखेंगे और इसमें और भी फीचर्स होते हैं और भी फीचर्स मतलब इसमें हम पहाड़ भी शो करते हैं पठार वगैरह भी शो करते हैं नदियाँ भी शो करते हैं समुद्र भी शो करते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगिस्तान है वो भी शो करते हैं तो सब कुछ शो करते हैं मैप में अब स्केल क्या होता है समझने वाली बात देखिए ये है कि अगर हम ग्राउंड की बात करें मतलब रियलिटी में बात करें तो कोई भी दो जगह है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा बहुत बड़ा होगा अब उस exactly, एक डिस्टेंस को एग्जैक्टली एकदम उसी तरीके से तो हम मैप पर नहीं ला सकते हैं उतना अगर कोई दो जगह के बीच का डिस्टेंस अगर सौ किलोमीटर है या हजार किलोमीटर है तो हम उसको पेपर पर तो नहीं दिखा सकते तो पेपर पर पे हम उसको कैसे छोटा बना के दिखाते हैं कि हमने मान लिया सपोज कि ठीक है अगर हमें सौ कि, हजार किलोमीटर के डिस्टेंस को पेपर पर शो करना है तो हम सौ किलोमीटर को एक यूनिट मान के चल लेंगे उसी हिसाब से हम दस यूनिट में उसको पूरा कवर कर लेंगे तो वही चीज है समझाने के लिए कि स्केल होता है स्केल मतलब जैसे अपना स्केल होता है ना जो रूरल रूलर होता है जिससे हम लाइन खींचते हैं उसमें क्या होता है कि हर एक छोटा 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 यूनिट होता है तो बहुत बड़ा तो नहीं होता है आपको और नीचे खींचना होता है तो फिर हम और बड़ा स्केल लेकर के आगे खींचते हैं तो बड़ी जगह को हम छोटे तरीके में जब रिप्रेजेंट करते हैं स्केल के मदद से जैसे अगर ग्राउंड पे दस किलोमीटर है तो उसको मैप पर हमने कोई एक यूनिट डाल दी अब वो एक यूनिट एक सेंटीमीटर हो एक मिलीमीटर हो एक मीटर हो वो एरिया पर डिपेंड करेगा अब मैप जो बनाने की जो नक्शा जो बनाने की जो कला होती है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी तो कार्टो वर्ड हमेशा मैप से रिलेटेड है ध्यान रखिएगा जो लोग बनाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर है. और जब बहुत सारी मैप्स को मिला लेते हैं या एक बुक बना देते हैं तो वो बन जाती है एटलस अब अलग अलग मैप के टाइप्स हो जाते हैं पहला है जैसे जनरल पर्पस मैप मतलब जो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग, अलग विषयों के बारे में बताता है जैसे एक ही मैप में हमने मान लीजिए आप टेम्परेचर जो तापमान है उसके बारे में बता दिया रेनफॉल वर्षा कैसी होगी उसके बारे में बता दिया क्रॉप्स जो है पेड़ पौधे फसल जो है मतलब उसके बारे में बताया पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में बताया तो एक ही मैप ये सारी चीज़ों के बारे में बता देगा तो वो क्या हो जाएगा जनरल पर्पस जो जनरली यूज हो जा रहा है ठीक है आम तरीके से यूज हो रहा है दूसरा है फिजिकल फिजिकल क्या होता है जब खाली बाउंड्री की बात करते हैं ठीक है सॉरी uh, ये तो पॉलिटिकल हो गया फिजिकल होता है मतलब जब हम उसके सारे फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन प्लेट्यू मतलब पहाड़ पठार प्लेन जो हो गया उपजाऊ जमीन रिवर नदी ओशन समुद्र तो इन सब चीज़ों को जब हम एक मैप में शो करते हैं तो सारा नेचुरल फीचर दिखा देता है उसको फिजिकल मैप बोलते हैं या रिलीफ उन फीचर्स को ना रिलीफ फीचर्स भी बोलते हैं जैसे मतलब कि जो लैंड है जो जमीन है उसका नेचर कैसा है ठीक है कि पहाड़ है कि बिल्कुल उपजाऊ जमीन है प्लेन है कि डेजर्ट है कि पानी है कि क्या है तो उसका नेचर के हिसाब से फिजिकल मैप्स होता है पॉलिटिकल मैप्स होती है जब हम सिर्फ बाउंड्री लेते हैं जहां हम पॉलिटिकल डिवीजन दिखाते हैं मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से हमने इस स्टेट को जैसे ऐसा बांट दिया अब ये एरिया आपके अंडर ये एरिया किसी और के अंडर वो एरिया किसी और के अंडर बाउंड्रीज डाल दी तो पॉलिटिकल बन गया अब इसमें हम देश दिखाएं राज्य दिखाएं शहर दिखाएं विलेजेस गाँव दिखाएं कुछ भी दिखाएं थीमेटिक मैप क्या होता है जो एक स्पेशल थीम पर होता है हमें पता चलेगा वो एक स्पेशल चीज की इंफॉर्मेशन देता है जैसे अगर रोड्स की बता दी नेशनल को लेके जैसे मान लो एक मैप बना दिया ठीक है फिर रेनफॉल वर्षा को लेके फिर फॉरेस्ट को लेके बना दिया या इंडस्ट्री को लेके बना दिया अब ये है एक एग्जाम्पल ये है फिजिकल मैप का एग्जाम्पल जहां जैसे हमने पहाड़ भी दिखाए दिखा है यहाँ प्लेन्स भी दिखाए हैं यहां पर ऐसे प्लेट्यू दिखा दिए या घाट दिखा दिया पानी दिखा दिया सब कुछ दिखा दिया तो इसमें ये फिजिकल मैप में आ जाएगा इसमें कोई भी देखो आप बाउंड्री नहीं है ठीक है अब इसमें क्या ये पॉलिटिकल है और यहाँ पर ऐसे ऐसे बाउंड्री है स्टेट की जो है ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई है तो ये पॉलिटिकल में आ गया अब एक मैप का कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है पहला होता है डिस्टेंस इसमें आता है स्केल डिस्टेंस होता है दूरी कितनी है तो स्केल मैंने बता ही दिया क्या हो गया कि जब हम ग्राउंड के डिस्टेंस को पेपर पर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसमें किस रेशियो में लेके लेते हैं कि वहाँ अगर 100 किलोमीटर या हज़ार किलोमीटर है तो पेपर पर वो कितना मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी है उस हिसाब से होगा पेपर पर किलोमीटर तो नहीं दिखाएंगे मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर यही दिखा सकते हैं तो वो कितना हो जाएगा अब है कि पेपर पे जो होता है छोटा डिस्टेंस होता है और ग्राउंड पे वही चीज़ बहुत बड़ा हो जाता है अब होता है इसमें भी दो तरीके का स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल स्मॉल स्केल आप कैसे याद रखेंगे की स्केल स्मॉल हम तब लेंगे जब एरिया बहुत बड़ा होगा जैसे कोई कॉन्टिनेंट है या कोई कंट्री है तो ये सब एरिया क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस तरह के जो बड़े बड़े एरिया हैं इनको हम पेपर पे दिखाने के लिए क्या करेंगे बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं इसीलिए लार्ज एरिया है पर स्केल स्मॉल हो जाता है अब एरिया अगर स्मॉल है जैसे कोई गांव है या कोई शहर छोटा एरिया को दिखाना है तो हम थोड़ा सा लार्ज मैप ले सकते हैं लार्ज स्केल ले सकते हैं एग्जाम्पल अगर एरिया बड़ा है तो उनके जो ग्राउंड का 500 किलोमीटर होगा उसको मान लो हमने मैप पे 5 सेंटीमीटर ले लिया पर अगर एरिया छोटा है तो वही ग्राउंड पे यहाँ जो 500 किलोमीटर है अब वो हम 500 मीटर में भी ले सकते हैं क्योंकि अभी तो हमें टोटल जो एरिया देखना हो तो छोटा देखना है तो हम थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा भी देंगे तो कोई बात नहीं हो जाएगी पर ये तो ऑलरेडी अपने आप इतना बड़ा एरिया है अब 500 किलोमीटर है तो उसको आप मतलब और कैसे बांटोगे हम इसको छोटा लेके चलेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट या कंट्री को ही कवर करेगा या कोई भी बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा तो याद कैसे रखोगे उल्टा स्केल स्मॉल होगा तो एरिया लार्ज होगा स्केल लार्ज होगा तो एरिया यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा अब दूसरा चीज क्या है डायरेक्शन डायरेक्शन क्या हो गया दिशा दिशा चार बहुत मेजर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ठीक है सॉरी हाँ तो ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम तो इसका एन ई डब्ल्यू एस जो न्यूज होता है उसका यही मतलब होता है कि हम सारी दिशाओं से कवर को मतलब न्यूज को कवर कर रहे हैं इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपका चार मेजर हो गया ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट अब इसको कार्डिनल और कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं कार्डिनल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट अब चार इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मतलब बीच के भी डायरेक्शन हैं जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया ईस्ट और साउथ है तो वहाँ साउथ ईस्ट हो गया साउथ और वेस्ट है तो साउथ वेस्ट हो गया नॉर्थ और वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया ठीक है अब इनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ईस्ट नॉर्थ मत कर देना वेस्ट नॉर्थ मत कर देना नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ही बोलेंगे यानी ये जैसे आपका ये हो गया उत्तर तो इसको कैसे बोलते हैं उत्तरी पूर्व उत्तरी पश्चिम दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिम मेरे ख्याल से मैं सही बता रही हूँ तो इसको दिशा में ऐसे ही बोलते हैं ये नाम बदलते नहीं है और ये चार आपके मेजर डायरेक्शन हो गए अब अभी ज्योग्राफिक कॉर्डिनेट ज्योग्राफिक कॉर्डिनेट मतलब जब वहां हमने बात की थी पैरल और मेरिडियन डी एम यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उससे क्या होता है किसी जगह का हम लोकेशन बता दिया कि ये इस डिग्री इतने डिग्री लॉन्गीट्यूड और इतने डिग्री लैटिट्यूड पर है तो जगह खोजने में आसानी हो जाती है तो कोई भी मैप में ये होगा तो हम एग्जैक्ट जगह अगर मैंने आपको बता दिया कि ये पेज खोलो एटलस का और इस पर इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जा करके देखो तो आप जगह बहुत आसानी से खोज लोगे अब सिंबल्स कुछ जो है साइन वगैरह भी यूज होते हैं जैसे बिल्डिंग रोड ब्रिज पेड़ ये सब दिखाने के लिए अब आपको मान लो किसी मैप पर पेड़ दिखाना है तो आप पूरे का पूरा पेड़ थोड़ी बनाओगे पचास पेड़ दिखाने तो पचास पेड़ तो नहीं बनाओगे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं बना दोगे रोड्स तो नहीं दिखा दोगे तो उसके लिए छोटे छोटे ऐसे सिम्बॉल यूज़ करते हैं ये कन्वेंशनल सिम्बॉल होते हैं कन्वेंशनल मतलब जो सबकी मर्जी से पहले उस पर उन्होंने विचार करके उसको एक्सेप्ट किया है माना एग्री किया है ठीक है सहमति जताई अब जा करके एक्सेप्ट किया क्योंकि अगर मैं कोई और सिम्बॉल यूज़ करो पहाड़ दिखाने के लिए और आप भी पहाड़ दिखाने के लिए कुछ और यूज़ करोगे तो अब जब हम मिलेंगे और हम बोलेंगे एक साथ और बैठेंगे और बोलेंगे कि ये वाला अ, मेरा वाला तो पहाड़ का सिम्बॉल है आपका वाला तो नहीं है पर आप बोलोगे नहीं मैंने भी तो पहाड़ ही बनाया था तो वो ना एग्री नहीं हो पाता ना वो फिर दिक्कत हो जाती है मेरे मैपो को आप नहीं पढ़ पाओगे आपके मैप को मैं नहीं पढ़ पाऊंगी तो इसीलिए क्या होता है कि हम एक ही सिंबल सब लोग यूज करते हैं ताकि पता चले कि ठीक है इसका यही मतलब है अब अलग अलग कलर यूज कर लिया नीला कर लिया पानी वगैरह के लिए जो भी वाटर बॉडी है ब्राउन थोड़ा भूरा सा कर लिया पहाड़ के लिए पीला हल्का कर लिया पठार वगैरह के लिए ग्रीन का कर हरा कर लिया प्लेन वगैरह के लिए अब ये कुछ सिंबल है ये आप देख लेंगे रेलवे लाइन वगैरह के लिए रोड के लिए कैसे करते हैं मंदिर के लिए कर लिया रिवर के लिए कर लिया पेड़ के लिए कर लिया घास के लिए कर लिया पुलिस स्टेशन के लिए कर लिया ब्रिज के लिए कर लिया जैसे यहाँ बाउंड्री है तो इंटरनेशनल बाउंड्री थोड़ी ऐसे डार्क करके गोल गोल बना दी स्टेट है तो उसको थोड़ा सा छोटा पतला रखा डिस्ट्रिक्ट है तो बिल्कुल सिंपल लाइन रखी ये वाली जो है इसकी बात कर रही हूं तो ये आप हिसाब से अपना देख लेंगे ताकि वो समझने में पढ़ने में अगर आपको सिम्बॉल का मतलब पता है तो आप मैप को देख के समझ जाओगे कि ये किस चीज की मैप है रिटर्न पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब है स्केच स्केच क्या होता है इरेगुलर ड्राइंग होती है इरेगुलर मतलब जैसे टेढ़ा मेढ़ा है टेढ़ा मेरा से मतलब रेगुलर जो एक जैसा नहीं है फिर रफ होता है जैसे अगर और मतलब बिना किसी स्केल से होता है बिना किसी स्केल के होता है यहाँ बिल्कुल नाप कैसे नहीं करते हैं कि इतने किलोमीटर को इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर में दिखाना है अब जैसे मान लो आपने अपने एक फ्रेंड से उसके घर का रास्ता पूछा उसने आपको बताया कि यहाँ से स्टार्ट करना यहाँ से इतने किलोमीटर बढ़ना या इतने कदम बढ़ना फिर ऐसे मुड़ना फिर एक मंदिर आएगा एक दुकान आएगा एक पार्क आएगा एक नदी आएगी एक ये आएगा और ऐसे ऐसे करके मेरा घर मिल जाएगा और उसने आपको कागज पे एक रफ ऐसे ही बना के एरो एरो लगा के दे दिया और उसने बोला आप आप समझ लेना तो उसको क्या बोलोगे वो प्लान मैप तो वो भी है क्योंकि आपको पूरा डायरेक्शन नक्शा है ना वो डायरेक्शन बता रहा है वैसे लेकिन वो प्लान नहीं है अच्छे तरीके से उसमें स्केल नहीं यूज हुआ एग्जैक्ट नहीं है रफ है तो उसको हम स्केच बोलते हैं ड्राइंग स्केचिंग होता है, है ना ऐसे रफ रफ बना दिया वही है प्लान क्या हो गया जब आप पूरा प्लान सब देखो ना नाम से ही समझ आ जा जाएगा थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ आ जाएगा प्लान है जब आप बिल्कुल प्लान करके कोई चीज कर रहे हो एक छोटे एरिया का बना रहे हो लेकिन बड़ा स्केल लेके बड़ा स्केल क्यों लेंगे क्योंकि हम उसकी डिटेल प्लानिंग करेंगे ना डिटेल एकदम बारीकी से हर चीज को उस पर रखेंगे अब जैसे है ये मान लो एक स्कूल का प्लान है तो इन्होंने क्या डाल दिया कि भाई इतने एरिया में मेरा हॉस्टल का बिल्डिंग होगा यहाँ स्टेडियम होगा यहाँ प्ले ग्राउंड होगा मतलब इंडोर स्टेडियम है यहाँ टीचिंग ब्लॉक हो जाएगी लैब पार्किंग एडमिनिस्ट्रेशन पार्क तो इन्होंने एक पूरा बिल्कुल बांट दिया टोटल एरिया मेरा इतना होगा तो ये बिल्कुल छोटे ही एरिया एक छोटा सा स्कूल ही बनाना है लेकिन उसके लिए पूरी डिटेल प्लानिंग जैसे बड़े बड़े जो भी कॉम्प्लेक्स मॉल बनते हैं बिल्डिंग बनती है घर ही बनता है घर ही बनता तो पहले नक्शा बनता है ना घर का कि ठीक है यहाँ यहाँ ये कमरा होगा यहाँ पे ऐसे किचन होगा यहाँ पे ऐसे वॉशरूम होगा यहाँ पे ऐसे अगर जो भी पूजा की आपकी जगह है वो हो जाएगी अगर आप टेरेस का छत का दे रहे हो तो वो हो जाएगा बालकनी है तो वो हो जाएगी जो भी आप डाल रहे हो तो घर का एक पूरा नक्शा बनता है प्लान होता है लेआउट जो बनता है बस वही चीज है इतना ही सा समझना था इस मैप वाले लेसन में ये हमारा पांचवा लेसन है जो की बात करता है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मेजर डोमेन्स मतलब जो मेजर बटे बटे एरिया है बड़े बड़े जो बटे हुए एरिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अर्थ में क्या क्या है तो हम देखते हैं सबसे पहला आएगी हमारा चार मेजर डोमेन है ठीक है कैसा बटा हुआ है सबसे पहले लिथोसफेयर लिथोसफेयर मतलब जो लैंड जो भूमि है ठीक है तो लिथोस वर्ड जो है उसका मतलब बेसिकली वही होता है स्टोन होता है तो पत्थर आप ले लो या रॉक उसको बोलो, चट्टान की बात कर लो तो जो भूमि वाला एरिया होता है वो होता है लिथोसफेयर वो क्या होता है सॉलिड जो ठोस पोर्शन होता है अर्थ का पृथ्वी का इस पर हम रहते हैं फिर है अटमॉसफियर जो एयर जो वायु की बात वायुमंडल जो हो गया वायु की बात करता है जहाँ पे गैसेस होते हैं कौन कौन से ऐसे ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हाइड्रॉस्फियर क्या होता है वाटर जो पानी से रिलेटेड होता है ठीक है जल वाला जो एरिया हो गया तो सारा एरिया जो पानी से कवर्ड है बायोस्फेयर जहाँ लाइफ फॉर्म जहाँ जैविक मतलब जो जी जैसे जहाँ पर जिंदगी बस रही है एक्चुअली तो मेनली क्या है कि ये ऐसा जोन है नैरो मतलब हो गया जैसे थोड़ा सा कम एरिया वाला पतला आप बोल सकते हैं वैसा जोन जहाँ पर कि भूमि पानी हवा सब मिल करके एक लाइफ को क्योंकि आप आप खुद ही देखो अगर आपके पास सिर्फ भूमि है पानी नहीं है हवा नहीं है मतलब हवा नहीं है पानी नहीं है आप कैसे जियोगे या इन तीनों में से जैसे अगर कोई एक भी मिसिंग है तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है तो जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी लाइफ फॉर्म जो है उनको सर्वाइव करने के लिए इन तीनों का होना ज़रूरी है तो ये तीनों जब मिल करके के यहाँ पर इस एरिया में मिल जाते हैं तो रहने वाली जो एरिया मेनली जहाँ ज़िंदगी बस रही है वो है बायोस्फेयर ठीक है अब हम देखते हैं लिथोस्फेयर एक एक करके सारा देखेंगे तो लिथोस्फेयर क्या है वो सॉलिड पोर्शन है ठोस ठोस वाला जो एरिया सॉरी ठोस पदार्थ वाला जो एरिया अर्थ का वो है यहाँ पर क्या है अर्थ का जो क्रस्ट है जो सबसे ऊपर का लेयर है वो लेयर की जो डिटेल्स है वो हम फिर सीनियर क्लासेस के बुक्स में करेंगे ये सिक्स का है तो उसी हिसाब से चलना है तो इनकी जो पत्थर वगैरह है जो चट्टाने हैं और फिर जो सॉइल जो आ, मिट्टी है मतलब उसका जो थोड़ा सा लेयर है वहाँ पर जिस जिसमें न्यूट्रियट वगैरह पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी जिंदगी के लिए वो सब लिथोसफेयर में आता है लिथोसबर्ड का मतलब स्टोन हो जाता है अब अर्थ सरफेस का जो मेन जो डिविजन है ना एक तो इस तरीके से हो गया दूसरे तरीके से भी है कि एक है कॉन्टिनेंट और एक है ओशन ठीक है तो जो कॉन्टिनेंट है हमारे जो सात मेजर कॉन्टिनेंट है बड़े बड़े जो लैंडमार्क भूमि के जो एरिया है और ओशन जो हमारा समुद्र वाला एरिया है वो वाटर बॉडीज पानी का बड़ा वाटर बॉडीज तो पानी वाला तो हम हाइड्रोस्फेयर में पढ़ेंगे अभी लैंड वाला जो है ये लिथोस्फेयर में पढ़ लेते हैं तो कॉन्टिनेंट्स पढ़ लेते हैं सारे ये हमारा क्या है सात कॉन्टिनेंट है और हमारे पांच ओशन है ये मेजर है सात कॉन्टिनेंट एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये हो गया एशिया अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ठीक है ओशंस का जब पढ़ेंगे तब आएंगे सॉरी हाँ अबे कॉन्टिनेंट ये क्या है मेन लैंड मार्क्स तो अर्थ का भू पृथ्वी का जो सबसे बड़ा हिस्सा जहाँ पर लैंड है वो कॉन्टिनेंट्स में आता है सात बड़े बड़े हैं एशिया यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये साइज के हिसाब से घटती क्रम संख्या में है तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और वो लगभग पूरे अर्थ का जो है लगभग एक तिहाई हिस्सा तो एशिया ही कवर कर लेता है ईस्टर्न हेमिसफेयर में है हमने ऑलरेडी नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिसफेयर हेमिसफेयर मतलब अर्थ जब आधे हिस्से में डिवाइड होता है

ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एशिया से पास होता है और यूरोप यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर एशिया है ये सारे मैप में अभी बिल्कुल मैं, मैं एंड में दिखा दूंगी क्योंकि एक ही मैप है जिसमें सब दिया हुआ है तो बार बार स्विच करने में टाइम जाता है तो मैं आपको सारा एक साथ ही दिखा दूंगी तो यूरोप और एशिया जो है ये यूरोल माउंटेन से अलग होता है उसके बाद है यूरोप और एशिया के इस पूरे मास को एक साथ क्या बोलते हैं यूरेशिया बोलते हैं फिर है अफ्रीका ये दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद यहाँ पर क्या होता है कि अफ्रीका से इक्वेटर जो है वो लगभग बिल्कुल बीस के गुजरता है तो अफ्रीका को लगभग हाफ में बांट देता है और इसका मेजर जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमस्फेयर में ही है उत्तरी जो अर्धांश हो गया अर्थ का उसमें ही है नीचे कम है उसके अलावा ये एक ऐसा एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों ही पास करते हैं बाकी में कोई एक करता है कोई नहीं करता है इसमें तीनों करते हैं फिर जो सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है वो अफ्रीका में पाया जाता है नाइल रिवर जो है सबसे बड़ा रिवर वर्ल्ड का वो इसमें पाया जाता है बड़ा नहीं है सॉरी ये वर्ड मुझे ध्यान रखना चाहिए ये है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर ठीक है तो सबसे लंबा रिवर उस हिसाब से ये अफ्रीका में पाया जाता है क्योंकि अभी हम दूसरे रिवर की भी बात करेंगे आगे देखेंगे अब है यूरोप ये है सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा तो नहीं बोलना चाहिए सेकंड सबसे छोटा क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है वो अभी हम आगे देखेंगे तो एशिया से तो छोटा है और वैसे सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यूरोप है अब ये एशिया के वेस्ट में ही है यह मैंने बताया अभी एशिया ये है यूरोप ये है और दोनों यूरोल माउंटेन से अलग होते हैं तो उसके वेस्ट में है ठीक है पश्चिम में इससे आर्कटिक सर्कल पास करता है अब ये याद रखने वाला ना यही है कि हर कॉन्टिनेंट से कौन सा जैसे पूछ देगा कि ट्रॉप कौन सा पैरल ऑफ लैटिट्यूड जो है वो पास करता है कौन सा लैटिट्यूड पास करता है तो सबसे अलग अलग करता है तो पता होना चाहिए तो यूरोप से आर्कटिक सर्कल अब ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसके जो नॉर्थ है उसके उत्तर में आर्टिक ओशन है उसके वेस्ट पश्चिम में अटलांटिक ओशन है और उसके साउथ दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी है फिर है नॉर्थ अमेरिका ये तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया अफ्रीका के बाद ये साउथ अमेरिका से ना एक इस्थमस से जुड़ा होता है जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, वो इतना अच्छा मैप नहीं बना उसके लिए सॉरी बट जल्दी जल्दी में बनाया है तो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ये इस्थमस ऑफ पैनमा ये इस्थमस यहाँ है इस्थमस क्या होगा जो एक छोटा जैसे लैंड का एक छोटा पतला सा मतलब आप ले लो स्ट्राइप है जो दो बड़े बड़े लैंडमास ये बड़ा लैंडमास ये बड़ा लैंडमास है इनको एक पतला छोटा लैंडमास जोड़ता है उसको एस्थेमस कहते हैं तो पनामा का जो एस्थेमस आपने पनामा कैनल भी सुना होगा यहीं पर है तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है उसके अलावा ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमस्फेयर में है पश्चिमी और उत्तरी अर्धांश में और इसके नॉर्थ में जो यहाँ पर आर्कटिक ओशन है इसके वेस्ट में यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका के फिर है साउथ अमेरिका ये मोस्टली सदर हेमिस्फीयर दक्षिणी अर्धांश में ही है ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है अब मैप देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है ठीक है माउंटेन रेंज मतलब चेन ऑफ माउंटेन बहुत सारे माउंटेन एक साथ तो वो एंडस पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं हाँ माउंटेन रेंज हो गया पर्वत श्रृंखला तो एंडस जो है वो साउथ अमेरिका में है और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो है एमेजन रिवर अब मैं बता रही थी नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है लंबाई में उसकी जो लेंथ होगी ना वो लंबी है ठीक है वो नाइल है और साउथ अफ्रीका में अमेज़न है जो लार्जेस्ट रिवर है लार्जेस्ट मतलब जो कितना पानी वो कैरी करता है उसमें कितना पानी है ठीक है तो साइज वाइज अमेज़न बड़ा है और लेंथ वाइज साइज मतलब कितना पानी क्या कैपेसिटी वाइज ये बड़ा है और नाइल जो था वो था लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से इसलिए वो बड़ा था तो ये ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा रिवर है और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है सदर्न एमोस्फेयर में है ये हर तरफ से ओशन और सी से सराउंड होता है समुद्र और इससे सी से तो इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं आइलैंड क्या हो गया द्वीप हो जाता है तो जो मतलब एक लैंड मास हो गया और आसपास सारा पानी है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच से लगभग जाता है और यहाँ के जो ओरिजिनल एबिडेंट जो इनके अपने प्रवासी हैं उनको एबोरिजिनीस बोलते हैं नाम पता होना चाहिए एम में आता है अंटार्क्टिका क्या है कम्प्लीटली दक्षिणी धांश में जो है उसमें जाता है अंटार्क्टिका आपको पता ही नीचे बिल्कुल रहता है मैप देखेंगे सब एक बड़ा अपने आप में एक बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये जो है साउथ पोलर रीजन में लोकेट होता है मतलब पोल्स के पास जो साउथ पोल है ना उसके पास लोकेट होता है तो इसीलिए क्या होता है कि हमेशा थिक आइस मोटा आइस बर्फ का जो वो है उससे कवर्ड होता है तो इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा हिम जैसे हो गया मतलब जो बर्फ हो गया पूरा उसे घिरा हुआ होता है तो वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसके लगभग सेंटर में बिल्कुल बीच में साउथ पोल होता है और यहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता इंसान नहीं बसते इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा आइस से कवर्ड होता है पर यहाँ बहुत सारी कंट्री अपनी रिसर्च स्टेशन जरूर लगा के छोड़ती है वो बहुत सारे जो भी वो एक्सप्लोर करते हैं ना उनको रिसर्च करना होता है तो यहाँ पर हर कंट्री का अपना अपना रिसर्च स्टेशन है इंडिया का भी है अंटार्क्टिका में तो सात कॉन्टिनेंट्स हमने कर लिया अब हाइड्रोस्फेयर पानी का स्फेयर है और को ब्लू प्लान बोलते हैं क्योंकि लगभग तीन चौथाई हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है सारा वाटर हर फॉर्म में होता है ठोस में भी तरल में भी और गैस में भी अब रनिंग वाटर जैसे जो बहता हुआ पानी है किस में हो जाएगा ओशन में रिवर में लेक्स में हो जाएगा आइस जो है जमा हुआ बर्फ ग्लेशियर में हो जाएगा और वाटर भेपर जो है भाव जो है वो एटमॉस्फेयर में हो जाता है वायुमंडल में तो अर्थ का जो पानी है जितना भी टोटल उसका लगभग संतानवे परसेंट जो है ना वो ओशन समुद्र में होता है तो वो सलाइन होता है मतलब खारा पानी होता है ठीक है नमकीन होता है तो अब बाकी जो लगभग तीन परसेंट का मतलब संतानवे का उससे थोड़ा ज़्यादा थो 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 ही होता है तो लगभग जो भी ढाई तीन परसेंट का पानी बचता है उसमें से मेजर पोर्शन तो ग्लेशियर या आइस ये सब या फिर पानी ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड इसमें आ जाता है तो जो एकदम तो फ्रेश वाटर जो मेन जो पीने का बचता है या फिर जो फ्रेश कह सकते हैं जो रिवर्स पे या थोड़ा बहुत जो लैंड में पाया जाता है वो बहुत ही कम होता है इस तीन का भी बहुत कम हिस्सा होता है तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी को हमें सेफ करना है ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए आप खुद ही देख कि पानी हमारे पास कितना कम मौजूद है वो पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं ये वाला खारा पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ये फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं तो दिक्कत होती है अब है ओशंस ठीक है समुद्र क्या है सब इंटरकनेक्टेड है ऐसे तो कोई बोले तो हम पांच मेजर ओशंस के नाम बोलते हैं बट वैसे देखा जाए तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड होता है बट फिर समझने के लिए आसानी बनाने के लिए उसको जगह के हिसाब से उसको हमने डिवाइड कर दिया है ओवरऑल तो एक ओशन है जो पूरा का पूरा सब आपस में कनेक्ट हो जाता है पानी ऐसे मर्ज हो जाता है ना और ये हमेशा मूव करते रहते हैं तो वा, वाटर के जो मूवमेंट है उसका मेन तीन तरीका होता है वेव टाइड और ओशन करंट इसका हम डिटेल पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में पांच मेजर ओशन है पैसिफिक, अटलांटिक इंडियन सदन और आर्कटिक ओशन अब है यहाँ पर सबकी डिटेल देख लेते हैं पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है एक तिहाई के हिस्से में है अर्थ के और अर्थ का जो डीपेस्ट पास्ट है पार्ट है मेरियाना ट्रेंच वो पैसिफिक ओशन में ही मिलता है इन कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है अटलांटिक ओशन सेकेंड बड़ा है लगभग एस शेप्ड का है इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है ना और इधर यूरोप और इधर अफ्रीका ऐसे करके ये जुड़ा रहता है तो मतलब एस शेप्ड का है इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है और इधर ईस्टर्न में इधर यूरोप है एशिया यूरोप एशिया इधर है और यहाँ पर नीचे में अफ्रीका है और इसका जो बिजिएस्ट मतलब अगर ट्रेड के हिसाब से देखें कॉमर्स के हिसाब से देखें जो आयात निर्यात होता है उसके हिसाब से ये सबसे बिजी ओशन है बिजिएस्ट ठीक है सबसे ज़्यादा काम चलता है यहाँ इंडियन ओशन इकलौता एक ओशन है जो किसी देश के नाम पर पड़ा है इंडिया के नाम पर लगभग इसका से थोड़ा सा शेप है ठीक है नॉर्थ में इसके एशिया है वेस्ट में अफ्रीका है और इधर ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है सदर्न ओशन क्या हो जाता है वो लगभग अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट हो गया उसको पूरा ही कवर कर देता है वो सदर्न ओशन है आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल के पास में रहता है और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है और फिर पैसिफिक ओशन से एक स्ट्रेट बैरिंग स्ट्रेट जिसको बोलते हैं उससे कनेक्ट होता है और बेरिंग स्ट्रेट क्या है जैसे कि एस्थेमस हमने पढ़ा कि बड़े दो लैंड मार्स को एक छोटा लैंड मार्स जोड़ता है एस्थेमस हो गया स्ट्रेट हो गया बड़े दो वाटर बॉडी को एक छोटा वाटर बॉडी जो, जो है पतला छोटा वाटर बॉडी जोड़ता है तो स्ट्रेट होता है तो बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है पैसिफिक और आर्टिक ओशन को ठीक है ये मैंने हाँ यहाँ पर कवर कर दिया है अभी एटमोसफेयर देख लेते हैं वायुमंडल अर्थ को जो एयर सराउंड करती है ये कॉम्पोजिशन है लगभग अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन होता है जो लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ में हेल्प करता है लगभग इक्कीस परसेंट ऑक्सीजन है जो हमारा पूरा लाइफ सिस्टम ही चलता है उस पर लगभग एक परसेंट में बहुत सारे गैस आ जाते हैं आप कार्बन आर्गन बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन बहुत सारे और गैसेज भी हैं ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं उसी से उनका खाना बनता है और ये प्लानट को गर्म भी रखते हैं क्योंकि जो अर्थ जो हीट वापस छोड़ती है ना उसको वो थोड़ा सा अब्जॉर्व कर लेते हैं पर जब बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है पर हमें ज़रूरी है गर्म थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है फिर लेयर कैसे कैसे होते हैं पूरी डिटेल हम लेयर की आगे की क्लास में करेंगे तो ये कॉम्पोजिशन हो गया या टेम्परेचर तापमान और बाकी चीज़ पे बेस्ड के जो है अर्थ के सरफेस से बेस से स्टार्ट करें तो ये सारे लेयर होते हैं ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्रोस्फेर थर्मोस्फेर और एक्सोसफे ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे एक्सोसफेयर सबसे ऊपर ये पूरे फिगर के साथ और डिटेल के साथ हम आगे की क्लासेस में करेंगे अब क्या है इनकी डेंसिटी जो घनत्व है वो हाइट के साथ बढ़ती है सी लेवल पे सबसे नीचे सबसे ज्यादा होती है ऊपर जाते जाते घट जाती है तापमान भी जो है ऊपर जाता है धीरे धीरे घट जाता है इसलिए जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको ऑक्सीजन मास्क चाहिए होता है उनके पास ऑक्सीजन उतना नहीं होता प्रेशर भी जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर वो घटता है ऊपर तो

तो अब ये सारा आप देख लेंगे नाइल रिवर हो गया सहारा डेजर्ट हो गया एटलस माउंटेन हो गया हिमालयाज़ हो गया यहाँ ये यह यूराल माउंटेन हो गया ये अमेजन रिवर हो गया ये एंडेस हो गया यहाँ रॉकी माउंटेन है यहाँ एप्लेचिन माउंटेन्स है ये हमने अभी सारा करा है ना जिसके जिसके बारे में मैंने बताया कि एंडस सबसे बड़ा है यहाँ पर ये सबसे बड़ा है यहाँ एटलस है ये अमेजन रिवर यहाँ सबसे बड़ा है तो ये आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा यूरोल माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करता है ये सारे ओशंस भी हैं और कॉन्टिनेंट्स भी हैं आप अपनी एटलस में भी अच्छे से डिटेल मैप को देखेंगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आई होप आपको ये एक रफ सा समझ आ गया होगा कि डोमेन्स क्या है हम आगे के लेसन में मिलेंगे छठवे लेसन पर है छठे लेसन पर है सॉरी तो पांच हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें से एक का तो दो पार्ट था तो आप उसको अच्छे से सारा पढ़ लेंगे तभी यहाँ पर आएंगे और अब इसमें हम मेजर लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे लैंड फॉर्म्स मतलब अर्थ में जैसे अलग अलग जो पहाड़ है जैसे पठार है या प्लेन है तो वो किस किस तरीके के होते हैं तो अर्थ के अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं अब है उसमें हम दो टर्म सबसे पहले सीखेंगे पहले है टोपोग्राफी टोपोग्राफी क्या होता है कोई भी नेचुरल फिजिकल सरफेस फीचर मतलब कोई भी जो नेचुरल पाया जाता है नेचर द्वारा है और सरफेस पे अर्थ की भूमि पर सरफेस पर जो भी नेचुरल फीचर्स पाए जाते हैं वो सब और कोई भी लैंड है कोई भी जमीन है उसके एरिया पे जितने अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म होते हैं हर लैंड एक जैसा नहीं होता ना हर एरिया में मतलब जहाँ पहाड़ है वहाँ पर जरूरी नहीं है प्लेन हो फिर जो प्लेन है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सॉरी इंडिया इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है हमारा नदर प्लेन जो है वो बिल्कुल अलग सा है बिल्कुल फ्लैट प्लेन है फर्टाइल प्लेन है फर्टाइल है फिर पठार है जैसे छोटा नागपुर प्लेटी हो गया या आपका डेकिन प्लेटी हो गया वहाँ पठार है तो ये सब जो है अलग अलग तरीके का लैंड फॉर्म होता है दूसरी वर्ड है जियो मॉर्फोलॉजी ये बनी किससे देखिए जियो अर्थ पृथ्वी मॉर्फ मतलब फॉर्म जो उसका रूप है और लोगोज मतलब स्टडी तो जो हम अर्थ के पे जो अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं रूप पाए जाते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी है यानी वो साइंस जो इस चीज़ से डील करता है कि लैंड फॉर्म जो है वो बने कैसे हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से दो प्रोसेस हैं जिससे ये लैंड फॉर्म बनते हैं एक होता है इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल इंटरनल होता है जो अंदर में प्रोसेस चल रहा होता है किसके अंदर में चलेगा अर्थ के चलेगा तो अर्थ के अंदर में क्या हीट गर्मी और प्रेशर जो दबाव है ठीक है उसका जो तापमान है दबाव है उसकी वजह से जो भी प्रोसेस चलते रहता है उसके वजह से कुछ फॉर्म्स जो है बन जाते हैं कैसे बनते हैं या तो अर्थ की सरफेस उठ जाती है अपलिफ्ट हो जाती है उठ जाती है या सब्सिडेंस नीचे धंस जाती है अब कुछ एग्जाम्पल है इंटरनल प्रोसेस के जैसे अर्थक्वेक हो गया आपका भूकंप हो गया वो एक्टिविटी ज्वालामुखी हो गया अब लैंडफॉर्म जिस तरह से बनती है पहाड़ हो गए प्लेट्यू पठार हो गए प्लेन हो गए, या ओशन्स में भी जो रिज होते हैं आ, वो सब अगर बन जाते हैं समुद्र में मतलब जो होता है तो वो सब अंदर के प्रोसेस से चल रहा होता है अब कुछ बाहर ऊपर से भी कुछ फैक्टर काम करते हैं जैसे आपका तापमान का डिफरेंस हो गया फिर आपकी पानी की बहाव की जो स्पीड है वो हो गई ग्लेशियर जो आपका हिमनद हो गया विंड है हवा हो गई आंधी हो गई तो इन सब से भी अलग अलग फैक्टर काम करते हैं और कुछ जो जो लैंड लैंडफॉर्म्स वो बन जाते हैं इससे क्या होता है या तो जो पुराने लैंडफॉर्म हैं वो टूटने लग जाते हैं कंटिन्यूसली टूटते रहते हैं वियर डाउन होते हैं या वो और रीबिल्ड होते हैं दोबारा बनते चले जाते हैं कुछ और टर्म्स देखेंगे वेदरिंग वेदरिंग क्या होता है जब जो सरफेस मटेरियल या रॉक्स जो पत्थर पहाड़ होते हैं मतलब पहाड़ इन देंस छोटे छोटे जो रॉक पत्थर के टुकड़े हो गए वो सब जो है आ, जब उन पर वेदर या क्लाइमेट वगैरह जैसे तेज़ हवा हो गई तेज़ पानी हो गया तेज़ गर्मी हो गई जो भी हो गया इन सब रीजन से वो छोटे छोटे पत्थर जो है चट्टान के जो टुकड़े हैं वो जब टूटने लग जाते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम उस टूटने वाले प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं अब जब वो टूटा हुआ पार्टिकल ठीक है हवा है पानी है या ग्लेशियर से हिम्मत है ये लोग अपने साथ जब कैरी करते हैं एक जगह से हटा करके इरोड करना मतलब वहाँ से रिमूव करके वहाँ से हटा के और फिर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं अब वहाँ से हटाते हैं तो कहीं तो जा करके रखेंगे डिपॉजिट करेंगे ठीक है डिपॉजिट जैसे बैंक में डिपॉजिट पैसा करते हो तो क्या होता है जमा करते हो तो कहीं से हटाते हैं तो वो वहाँ जमा करते हैं इन सब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन किया तो साथ में या तो उसके बाद में तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जैसे प्लेन आपका या पठार वगैरह हो गया वो जब इससे बनता है बाहर के प्रोसेस एक्सटर्नल प्रोसेस से अब कुछ लैंडफॉर्म्स हम पढ़ेंगे हम तीन पढ़ेंगे पहाड़ पढ़ेंगे पठार पढ़ेंगे और प्लेन्स पढ़ेंगे तो पहले माउंटेन्स है पहाड़ जो हो गया उसके बारे में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि अर्थ के सरफेस का नेचुरल एलिवेशन एलिवेशन यानी ऐसे उठ जाता है ठीक है इसकी हाइट ऐसे बढ़ जाती है इसका जो बेस होता है पहाड़ क्या होता है उसका बेस जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है और इसकी जो चोटी होती है वो बहुत ही पतली होती है और इसके हिसाब से तो बहुत ही पतली होती है ये बाकी आसपास के एरिया से बहुत हाई होता है रेंज मतलब क्या होता है जब बहुत से माउंटेंस बहुत से पहाड़ एक साथ होते हैं चेन में होते हैं तो उसको रेंज बोलते हैं एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जैसे एशिया में हिमालय हो गया यूरोप में एल्प्स हो गया साउथ अमेरिका में एंडस हो गया आप अगर मैप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा फिर जो माउंटेन बिल्डिंग जो पहाड़ के बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ओरोजेनी ठीक है और तीन तरह के माउंटेन्स हैं फोल्ड ब्लॉक और वॉलकैनिक तो फोल्ड माउंटेंस क्या होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट के फोल्डिंग से बनते हैं अर्थ का जो क्रस्ट है वो ऐसे ऐसे जब फोल्ड हो रहा होता है ठीक है उससे जो माउंटेंस पहाड़ बनते हैं उनको हम फोल्ड माउंटेंस कहते हैं अब अर्थ का क्रस्ट फोल्ड कैसे हो जाता है कि जो प्लेट्स है टेक्टोनिक प्लेट्स होती है इसकी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में तो जो प्लेट्स होती है उसमें क्या होता है ऐसे ऐसे कोलिजन होता है टकराव होता है ठीक है तो अब उस पर जो भी फोर्स काम कर रही होती है उस टकराव के वजह से यहाँ जो भी उनका जो पत्थर वाला मतलब स्ट्रेट और जो लेयर होता है पत्थर वाला वो उठने लग जाता है या थोड़ा से नीचे होने लग जाता है तो एक ऐसा शेप फॉर्म हो जाता है तो जो ऐसा ए शेप वाला फिगर हो जाता है ना फोल्ड उसको बोलते हैं एंटी क्लाइन और जैसे धंसा वसा हो जाता है यू शेप वाला उसको बोलते हैं सिंह क्लाइन और कि कौन सा जो है ये पहाड़ कब बना था उसके हिसाब से बात करें तो ये दो तरह के होते हैं कि यंग फोल्ड जो बहुत मतलब कम अभी से थोड़े कम पहले वक्त में ही बने हैं मतलब इनको बने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है और ओल्ड जो बहुत ही पहले से बन चुके हैं तो जो बहुत पहले से बने हुए हैं उनमें भी फिर ये सब हवा पानी और टेम्परेचर ते, प्रेशर काम करता है तो ये सब इरोड होते चले जाते हैं और इनकी हाइट भी थोड़ी सी घटती चली जाती है तो ओल्ड वाले के एग्जाम्पल से यूराल माउंटेन यूरोप एशिया का वाला करता है आप लेंगजिन से अरावलीज इंडिया में यंग फोल्ड में आपके हिमालय आल्प्स एंडेज और रॉकी आप मैप्स देख सकते हैं देन अगला वाला जो माउंटेन है वो है ब्लॉक माउंटेन ब्लॉक क्या हो जाएगा जैसे तो पत्थर का जो जैसे ब्लॉक होता है टुकड़ा सा ऐसे होता है तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा कोई लैंड का टुकड़ा है वो टूटने लग जाता है कैसे टूटेगा या तो अपलिफ्टमेंट मतलब होगा या तो सबसिसडेंस होगा वही होगा या तो ऐसे ऊपर उठेगा या तो नीचे धंस जाएगा पर ये वर्टिकली ही डिस्प्लेस हो वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधे में ही ऐसे जाता है या तो यहाँ से उठेगा तो ऊपर ही उठेगा धंसेगा तो नीचे ही धंसेगा बिल्कुल सीधा सीधा अब ये कुछ पार्ट जो है वो सरफेस के ऊपर हो जाते हैं उठे हुए पार्ट उनको हॉस्ट्स बोलते हैं ये जैसे उठे हुए पार्ट हैं और जो नीचे धंस जाते हैं उनको ग्रेबिस बोलते हैं नीचे धंसे हुए पार्ट को ये आपके एग्जाम्पल हैं यूरोप में राइन वैली और वर्जगिस् माउंटेंस अब ये एक फिगर है उठा वाला जो पार्ट है हॉस्ट हो गया नीचे वाला जो है वो ग्रेबन हो गया फिर है वॉलकैनिक माउंटेन तो ये हो गए आपके जो वॉलकैनिक एक्टिविटी से बनते हैं और इसमें क्या होता है कि जो लावा होता है ठीक है वॉलैनो से जो लावा निकलता है उसका एक्यूमुलेशन यानी जमा हो जाता है और फिर वो सॉलिडिफाई वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है सरफेस पर फिर लेयर पर लेयर बना देता है तो उससे माउंटेन्स बन जाते हैं ये आपके एग्जाम्पल्स हैं आप देख लेंगे नेक्स्ट है माउंटेंस की इंपॉर्टेंस पहाड़ वगैरह की इंपॉर्टेंस क्या है ये पानी का स्रोत होते हैं मतलब इनमें जमा होती है पानी पानी कैसे जमा होती है क्योंकि माउंटेंस में जो है ना ग्लेशियर भी पाया जाता है ग्लेशियर यानी हिमनद आपका हो गया तो इसमें क्या होता है आइस जो बर्फ़ है वो बहुत ही मतलब एकदम परमानेंटली बर्फ़ का आप समझ लो पूरा झुंड मान लो ठीक है टुकड़ा बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पूरा ग्रुप में है तो वो ग्लेशियर हो गया अब उसी में से जब फिर रिवर यानी पानी निकलती है वहाँ से रिवर निकलती है तो इसीलिए हम बोलते हैं कि माउंटेन्स जो है वो भी पानी का स्रोत है और मिनरल सोर्स का भी स्रोत है अलग अलग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इसमें बहुत अलग अलग फ्लोरा फ्लोराफोना मतलब प्लांट और एनिमल की वैरायटी भी पाई जाती है फिर डैम्स वगैरह बनाना आसान होता है इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए आसान होता है फिर इनसे जो पानी मिलती है उससे हाइड्रोलैक्ट्रिसिटी पानी के हेल्प से जब हम बिजली बनाते हैं उसमें भी मदद होती है फिर ये ऐसे फ्यूल फॉडर जो भी है मतलब ये सब फॉरेस्ट से जो भी हमें सामान मिलता है वो सब देते हैं इंडिया में हिमालया जो है वो कैसे बैरियर यानी एक रुकावट की तरह काम करते हैं जो ठंडी पोलर पोलर साइड से पोल्स की तरफ से जो ठंडी विंड आ रही होती है हमारे पास ठंडी हवा उसको हमालय रोक देते हैं इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है वो सब मेंटेन होता है रहने लायक होता है और टूरिस्ट साइट या सीनिक ब्यूटी में भी ये सब हेल्पफुल होते हैं प्लेटी हो गया पठार ये क्या होता है ऊंचा एलिवेटेड ऊंचा लेकिन फ्लैट लैंड ले, होता है जो टेबल लैंड है मतलब टेबल की तरह से ऊंचा फ्लैट होता है और बाकी एरिया से तो उठा हुआ ही होगा इनकी हाइट अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है ये यंग ओल्ड भी हो सकते हैं और जिस तरीके से माउंटेन बनते हैं उसी तरीके से इनका भी फॉर्मेशन होता है तो इंडिया में जो डेकिन प्लेट्यू है ठीक है हमारा जो तो डेकनी पठार जो है वो वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सबसे जो पुराने प्लेट्यूज हैं उसमें से एक है और वर्ल्ड में जो सबसे हाइएस्ट प्लेट्यू है वो है तिब्बत का प्लेट्यू ठीक है अब इनकी कुछ यूजेस क्या है कि ये जो है एक हाँ ये जो है मिनरल डिपॉजिट्स इसी तरह खनिज पदार्थ में बहुत रिच होते हैं इसीलिए जो माइनिंग खुदाई के लिए जो एरियाज होती हैं इन सब एरियाज में मतलब प्लेट्यू वाले एरियाज में बहुत खुदाई वाले एरियाज होते हैं जैसे अफ्रीका का जो प्लेटू है वो सोना और डायमंड के लिए बहुत माइनस के लिए जो है बहुत फेमस है इंडिया में छोटा नागपुर का है वो आयरन कोलर मैंगनीज के लिए ठीक है कोयला लोहा वगैरह के लिए बहुत फेमस है फिर ये भी सीनिक ब्यूटी और टूरिस्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है फिर अब क्या होता है कि रिवर्स जो है ये सब प्लेट्यू वाले एरिया में पानी जो है बहुत हाइट से गिरते हैं तो ना वाटरफॉल बन जाता है तो मतलब जिस एक जैसे छोटा नागपुर प्लेटियो में एक हंडरू फॉल है वो स्वर्णरेखा रिवर आ, के पानी से मतलब वहाँ स्वर्णरेखा रिवर का पानी जैसे बहुत तेज़ फ्लो में एकदम हाइट से गिरता है तो वो एक वाटर हो जाता है तो ये सब मोस्टली प्लेट्यू वाले एरियाज़ में होते हैं फिर लावा प्लेट्यू क्या जाता है जो लावा से बना होता है तो वो ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होता है जो मेनली कॉटन जो कपास होती है उसके प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है फिर है प्लेन्स जो फर्टाइल प्लेन है वो क्या होता है लार्ज स्ट्रेच मतलब बहुत बड़े दूरी तक मतलब ज़्यादा दूरी तक फैले होते हैं और फ्लैट लैंड होते हैं बहुत ज़्यादा खाबड़ जमीन नहीं होती है और ये फर्टाइल भी होते हैं क्योंकि उपजाऊ जमीन होती है ठीक है ये लगभग सी लेवल से लगभग 200 मीटर अबव होते हैं थोड़ा सा अप डाउन सा हल्का सा होता है तो इनका स्लोप वही है बहुत जेंटल होता है बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पठार की तरह ऊंचा नीचा नहीं होता फिर बहुत सारे प्लेन जो होते हैं वो नदियाँ या उनके जो ट्रिब्यूटरी होती हैं उपनदी जो उसकी सहायक नदी हो गई मतलब तो उससे बने होते हैं कैसे बने होते हैं कि पहाड़ से जब रिवर निकल रही होती है ठीक है तो ये अपने साथ वो सारे मटेरियल को इरोड करती है बहुत सारे मतलब जो भी चट्टान हो गए कुछ हो गया सॉइल हो गया तो सबको ले करके धोती दो, ढोती हुई अपने साथ आती है तो जब ये कैरी फॉरवर्ड करती है यानी उसको साथ ढो के लाती है तो ये सब जो लोड है जैसे स्टोन सैंड सिल्ड ठीक है ये सब जो, जो पत्थर है आपकी बालू मिट्टी वगैरह हो गई छोटे छोटे टुकड़े इनको एलुवियम बोलते हैं तो ये सारे सामान को अपने साथ लेके आती है और डिपॉजिट कर देती है एक जगह पर डिपॉजिट मतलब एक जगह जा करके जमा कर देती है तो जब ये वैलीज में जमा करती है इन सब चीज़ों को तो प्लेन्स बन जाते हैं ठीक है और इसी को जैसे अब अलुवियम से बना है तो अलूवियल प्लेन है तो इंडिया में एक एग्जाम्पल है हमारा इंड इंडो गैंगटिक प्लेन यहाँ ये यह जैसे हिमालय है तो बिल्कुल यहाँ पर नदन प्लेन है दूसरा प्रोसेस जो है बनने का वो क्या है कि अपलिफ्टमेंट हो जाता है अपलिफ्टमेंट मतलब ऊंचा उठ जाना तो जैसे यूएस का एक प्लेन है ग्रेट प्लेन्स वहाँ पे सी के अंडर में समुद्र के अंडर में जो भी लैंड है उसका एक हिस्सा मान लो ऐसे करके उठ गया तो वो एक प्लेन बन गया तो इस तरीके से जो प्लेन बनते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल प्लेन बोलते हैं अब कुछ यूजेस क्या है फर्टाइल हो बहुत उपजाऊ उनकी मिट्टी होती है एग्रीकल्चर में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में सामान ले जाने लाने में हेल्प करता है थिकली पॉपुलेटेड क्यों होता है बहुत ज़्यादा मतलब जनसंख्या होती है इनकी क्योंकि लोग आसानी से रह पाते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी बिल्डिंग बनानी है कुछ बनाना है तो आसान हो जाता है पानी अच्छे से मिलता है और क्लाइमेट भी इनका बहुत मॉडरेट बीच का होता है बहुत ठंड या बहुत गर्मी नहीं होती है तो ये था पूरा हमारे फॉर्म्स के बारे में अभी और लेसन से जहाँ हम और चीज़ें कवर करेंगे आप प्लीज़ देखते रहिएगा होप आपको पसंद आ रहा हो अगर आ रहा हो तो आप प्लीज़ रेट रिव्यू और रिकमेंड करिएगा तो अगले लेसन में मिलते हैं ये सातवां लेसन है जहाँ हम हमारे देश भारत की बात करेंगे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया जो है भारत सेवेंथ लार्जेस्ट सातवां सबसे बड़ा देश है लैंड मास वाइज बाकी छह देशों के आप नाम मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में पॉपुलेशन जनसंख्या वाइज ये दूसरा बड़ा देश है पहला है चाइना वर्ल्ड मास में परसेंटेज कितना है इंडिया का हिस्सा दो दशमलव चार परसेंट और पॉपुलेशन वाइज है सत्रह दशमलव पाँच परसेंट क्षेत्रफल कितना है टोटल इंडिया का एरिया थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और दो हजार ग्यारह सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन जनसंख्या है एक हजार दो सौ दस दशमलव नौ मिलियन और इंडिया नॉर्दर्न हेमिसफेयर में है उत्तरी गोलार्ध में है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा है साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ वो लगभग हमारे देश को लगभग आधे में बांटती है तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है एक्सटेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक पाया जा रहा है तो वो एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ से थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ तक है और हमारा जो लॉन्गीट्यूडनल एक्सटेंट है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट से लेके नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट तक है फिर हमारा जो नॉर्थ और साउथ का जो ये है डिस्टेंस है मतलब लंबाई हो गई वो तीन हज़ार दो सौ चौदह किलोमीटर की है ईस्ट और वेस्ट पूर्व और पश्चिम के बीच की जो दूरी है वो है उनतीस सौ तैंतीस किलोमीटर की फिर ये हमारा एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट का जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरीडियन है और जो सेंट्रल मेरीडियन है यूज़ होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हमने और ये इससे जो टाइम मतलब इस मेरेडियन पर जो टाइम यूज़ होता है और उसको ही हम पूरे देश में मानते हैं वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो हमारे उनतीस राज्य हैं और सात यूनियन टेरिटरी हैं क्षेत्रफल वाइज देखेंगे सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा तो हमारी जो कैपिटल है राजधानी है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली ये फिगर है ये आप यहाँ एक्सटेंट देख लेंगे ये आप यहाँ एक्सटेंट देख लेंगे ये आप यहाँ पर दूरी देखेंगे ये भी दूरी देखेंगे यहाँ मेंशन है ये 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 हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इतना डिग्री है और ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन अब है फिजिकल डि डिवीजन इंडिया को हमने इसे छः फिजिकल मतलब बेसिस पर इसे बांट के रख दिया है अलग अलग जो लैंडफॉर्म है उसके हिसाब से तो हम उसको सारा देख लेंगे माउंटेन्स प्लेन्स डेजर्ट प्लेट्यू प्लेन्स और आइलैंड्स अब है पहले तो नॉर्दर्न माउंटेंस नॉर्दर्न माउंटेंस मतलब जो पहाड़ वाला एरिया है उत्तर में क्या है हिमालय है हिमालय दो वर्ड से बना है हिम आले हिम हो गया बर्फ आले घर जो हो गया तो बर्फ का जो घर है वो है हिमालय यहाँ तीन पैरल रेंज है तीन पैरल मतलब ऐसे, ऐसे, ऐसे पैरल आपको पता ही है गैप्स लगभग कम ही है दोनों के बीच में रेंज क्या है जो चेन ऑफ माउंटेन्स है ये सब पढ़ा हुआ है तो ये तीन पैरल है पहला वाला है हिमाद्री, या इसको बोलेंगे ग्रेटर हिमालय तो जो पूरी वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट जो सबसे लंबी ऊंची मतलब जो, जो माउंटेन चोटी है वो क्या है माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में पाई जाती है तो वो इस माउंटेन रेंज में ही आती है फिर दूसरी क्या है हिमाचल या मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय तो यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं जैसे शिमला वगैरह हो गया फिर यहाँ और भी रेंजेस हैं फिर पंजाल या धौलाधर हो गया फिर थर्ड जो आती है सदर्न मोस्ट सबसे नीचे इन तीनों रेंज में जो सबसे नीचे वाली होती है वो है शिवालिक या आउटर हिमालयस और इसका नाम कैसे पड़ा क्योंकि ये लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है भगवान जो शिव हैं उनका घर माना जाता है फिर है नदन प्लेन तो हमारे उत्तर में ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन भी है ये क्या है वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में जो बहुत सारे जो अलूवियल प्लेन अलूवियल प्लेन जो अलूवियम से बने हैं अलूवियन हो गया जैसे आपका सैंड सिल्ट वगैरह तो उससे बना हुआ ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जितने भी बड़े बड़े प्लेन्स हैं तो उसमें से एक हमारा नॉर्दर्न प्लेन भी है और ये हिमालय के साउथ में है ये पहाड़ है हिमालय है हमारा ये सारे पहाड़ हैं तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है ये बिल्कुल फ्लैट है लेवल है ऑलमोस्ट लगभग बराबर बराबर सा है बहुत ऊंचा नीचा नहीं है अलूबियल डिपॉजिट से बना है इंडस ठीक है गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर इंडस हो गया है यहाँ गंगा और यहाँ ब्रह्मपुत्र तो इन सब रिवर और इनकी जो ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियाँ हैं इन सब मिला करके जो डिपॉजिट लेकर के आती हैं डिपोजिशन वगैरह पढ़ा ही दिया है आपको तो जो डिपॉजिट लेके आती है ये सारे सामान डिपॉजिट करती हैं वहीं पर वो फर्टाइल लैंड या प्लेन बन जाता है और ये बहुत फर्टाइल होता है उपजाऊ होती है कल्टीवेशन में यानी और कृषि में बहुत आसानी होती है अब क्या है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा अब डेल्टा क्या होता है ट्राइंगुलर शेप का होता है जैसे त्रिकोणिया होता है ठीक है लैंड मास होता है ज़मीनी होती है पर वो बनती कहाँ है वो बनती है रिवर के माउथ पे किसी नदी के माउथ पे अब रिवर का माउथ क्या होता है अब जैसे ये रिवर जा रही है और यहाँ कोई सी है समुद्र है ठीक है अब ये रिवर इसमें यहाँ मिलेगी तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर इसी जगह पे जैसे त्रिकोण शेप का जो ऐसे लैंड मास बनता है वो है डेल्टा अब हम डेजर्ट की बात करेंगे जो अपना मरुस्थल रेगिस्तान है वेस्टर्न पार्ट में है हमारा पश्चिमी पार्ट में थार डेजर्ट राजस्थान में ये बहुत सूखा हो गया आपका गर्म हो गया सैंडी बालू बालू है लैंड का ही पोर्शन है पर पूरा बालू वालू रेत से भरा हुआ है फिर क्या है वेजिटेशन जो है बहुत कम होगी वनस्पति बहुत कम होगी क्योंकि पानी नहीं होता है तो स्कैंटी रेनफॉल होता है पानी बिल्कुल कम होता है और इसके ईस्ट में क्या है अरावली रेंज इसके पूर्व में अब है पेनिंसूला प्लेट्यू पेनिंसूला सबसे पहले देखते हैं क्या है कोई भी लैंड का एरिया जैसे अपना इंडिया का ये है तो ये लैंड का एरिया है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो कोई भी एरिया हो अगर तीन तरफ से पानी से घिरा होगा तो उसको पेनिनसुला बोलेंगे तो तीन तरफ अपने पानी कौन कौन सा है पूर्व में बे ऑफ बंगाल है पश्चिम में अरेबियन सी है अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी ये इंडियन ओशन ठीक है ये हमारा हमारे इंडिया इंडिया के नाम पर ये इंडियन ओशन जो पढ़ा ये भी हमने पढ़ा हुआ है तो हम तीन तरफ से इसको पानी से मतलब तो ये घिरा हुआ है तो ये पेनिनसुला हो गया तो हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू प्लेट्यू क्या हो गया पठार तो ये नॉर्दर्न प्लेन के हमारा जो ये नॉर्दर्न प्लेन था उसके साउथ में है उसके दक्षिण में है और ट्राइंगुलर शेप का है फिर है उसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड में ये डायरेक्शंस हमने पढ़े हुए हैं आपको पता होने चाहिए अरावली रेंज है जो वर्ल्ड के वन ऑफ द सबसे मतलब पुराना रेंजेस है अरावली रेंज अब हमारा जो ये पेनिंसुलर प्लेट्यू है जो पठार है ये भी दो मेन पार्ट्स में, पार्ट में डिवाइडेड है नॉर्दर्न प्लेट्यू और डेकिन प्लेट्यू अब ये जो नॉर्दर्न प्लेट्यू ये फिर मालवा और छोटा नागपुर में डिवाइडेड है तो मालवा में क्या है जो अरावली और सतपुरा के बीच वाला जो एरिया हो गया वो मालवा प्लेट्यू हो गया ठीक है मतलब अरावली नॉर्थ में है और सतपुरा साउथ में है और फिर जो नर्मदा रिवर जाती है तो वो जो वैली बनाती है नर्मदा वैली वहाँ पर विंध्यास भी है विंध्यास बिंच भी है अब ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो मालवा इधर है तो ये उसके ईस्ट में है ठीक है छोटा नागपुर इधर आपका झारखंड वाले एरिया में है और ये रांची प्लेट्यू को स्वर्णरेखा रिवर से मतलब अलग होता है स्वर्ण रिवर रांची प्लेट्यू और छोटा नागपुर का जो पठार है उसको अलग करती है फिर है ये डेकन प्लेट्यू यहाँ क्या होता है ये नर्मदा रिवर के साउथ में है यहाँ पर है अभी सारा हम एक फिगर में एक ही मैप रखा है लास्ट में इसलिए क्योंकि टाइम कम होता है ना तो हर स्लाइड के बाद मैप डालना थोड़ा मुश्किल था जब डिटेल्स पढ़ेंगे इन सब की तो हम पूरा का पूरा एक एक मैप के साथ ही देखेंगे अभी के लिए आप पॉज करके अपना एड्रेस लेके या अपनी बुक लेके भी बैठ के देख सकते हो वरना लास्ट में मैंने सारा वो एक्सप्लेन कर दिया उसी में इंक्लूड कर दिया है दिखा दूंगी ठीक है तो डेकेंड फ्लैट्यू क्या है नर्मदा रिवर के साउथ में है मालवा से अलग होता है विंध्याज़ रेंज जो है वो मालवा और डेकिन प्लेट्यू को अलग कर देती है अभी हमारे पास घाट्स भी हैं कौन कौन से वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स तो ये जैसे अपना प्लेट्यू है तो वेस्टर्न प्लेट मतलब वेस्टर्न साइड जो है प्लेट्यू का उधर वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न साइड में पूर्वी साइड में जो है वो ईस्टर्न घाट से तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस होता है लगभग वो बराबर होता है मतलब बहुत अन या टूटा हुआ नहीं होता है पर ईस्टर्न वाला अन टूटा होता है वेस्टर्न घाट्स को शायादरीज भी बोलते हैं फिर है कोस्टल प्लेन्स अब कोस्टल दो प्लेन्स हैं हमारे एक नॉर्दर्न प्लेन हमने पढ़ लिया ये वाला फर्टाइल प्लेन जो है अब कोस्टल प्लेन भी है अब जैसे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ना तो इसके भी इधर प्लेन है कोस्ट है जो नदी मतलब जो समुन्द्र वाला किनारा हो जाता है वो है अब जो वेस्ट है वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट है वहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये थोड़ा सा नैरो पत पतला होता है होता है थोड़ा और ईस्ट जो है ईस्टर्न घाट के ईस्ट में पूर्व में ईस्टर्न कोस्ट है जो चौड़ा होता है थोड़ा फिर जो कुछ ईस्ट फ्लोइंग मतलब जो पूर्व की तरह बहती नदियाँ हैं महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आपको मुझे नाम बताना है वैसे क्लास सिक्स के हिसाब से तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि पढ़ाया नहीं है बट जो यू पी हैं उनको पता होगा तो आपको मुझे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के नाम बताने कॉमेंट सेक्शन में तो जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये भी ईस्ट कोस्ट पर डेल्टास बनाती है हमने गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा देखा था सुंदर डेल्टा सुंदरमन डेल्टा अब ये ईस्ट में यहाँ पर डेल्टा बनाती है ठीक है अब अगला जो है ये वाला स्लाइड है एक मिनट सॉरी हाँ ये आइलैंड आइलैंड क्या हो गया हमारा जो द्वीप का समूह हो गया तो हमारे इंडिया में दो हैं अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार कहाँ है बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में है ईस्ट साइड पर है और इसका जो कैपिटल है राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इसका हमारा इंडिया का जो इंडियन यूनियन का जो सबसे सदर मोस्ट जो सबसे दक्षिणी पॉइंट था इंदिरा पॉइंट वो अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड था पर अब क्या हो गया तो सुनामी आई थी 2004 में तो ये समर्ज हो गया यानी अंदर की तरफ चला गया है तो हमारा जो मतलब ये सवाल जैसे पूछा जाता है कि इंडियन यूनियन का सबसे सदन मोस्ट पॉइंट का नाम बताइए तो आपको क्या बोलना है इंदिरा पॉइंट और ये कब धस गया था सुनामी दो में जो सुनामी आई थी फिर दूसरा है लक्षद्वीप लक्षद्वीप आपका इधर अरब सागर में है ठीक है अरेबियन सी में यहाँ पर कोरल आइलैंड्स मिलते हैं मतलब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है कोरल क्या होता है कि कुछ ना जैसे छोटे छोटे मरीन टाइनी मरीन एनिमल्स छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जिनको पॉलिप्स बोलते हैं इनका जो स्केलेटन अब जैसे इंसानी स्केलेटन क्या होता है कि हमारा जो कंकाल जैसे हो गया तो ये जब मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन बचता है वही सारा ऐसे जमा होकर बंच में आकर के एक आइलैंड कोरल आइलैंड जिसको बोलते हैं वो बन जाता है तो लक्षद्वीप मेनली कोरल आइलैंड है इसकी जो राजधानी है वो है कावरथी तो मैं इस मैप की बात कर रही थी जहाँ मैंने सब इंक्लूड मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है मैंने तो नहीं करा है ऑलरेडी इंक्लूडेड है डिटेल्स जब पढ़ेंगे तो फिर हम बिल्कुल सेपरेट सेक्शन उठा के अगर इस पर फोकस करेंगे तो इसको ही पढ़ेंगे ऐसे करके पढ़ेंगे अभी के लिए आपको एक ही में समझना होगा तो ये जैसे हिमालज है ग्रेटर हिमालज हो गया यहाँ पर आपका शिवालिक हो गया आप यहाँ पर देखेंगे ये देखिए नदन प्लेन है यहाँ पर देखा ना हमने उसके बाद यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे अरावली रेंज है यहाँ विंध्या रेंज है यहाँ सतपुरा रेंज है यहाँ से नर्मदा नदी बह रही है यह आपका टेकिन प्लेट्यू है इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ गंगा है ये ईस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न घाट है फिर घाट के इधर क्या पढ़ा था कि कोस्टल प्लेन भी है तो अब ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है प्लेट्यू कर दिया है और अब ये आपका क्या क्या हो गया माउंटेन्स कवर हो गया यहाँ प्लेन्स कवर हो गया ये प्लेट्यू कवर हो गया यहाँ से डेजर्ट कवर हो गया अभी घाट्स कवर हो गए और कोस्टल प्लेन भी कवर हो गए तो अभी क्या बच गया आइलैंड्स बच गया द्वीप द्वीप बचा द्वीप समूह तो ये है हमारा अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में है और ये अपना लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में है अरब सागर में है यह अपना इंडियन ओशन है तो ये पूरा इंडिया की फिजिकल जो एक स्ट्रक्चर है उसको कवर करता है आई होप आपको ये लेसन पसंद आए हो। अगर आए हो तो आप प्लीज रेट करिएगा रिव्यू करिएगा और रिकमेंड करिएगा और आगे के लेसन भी देखते रहिएगा फिर हम नए कोर्स बनाएंगे नए कोर्स में फिर हम और सीनियर क्लासेस की भी बुक्स को इंक्लूड करेंगे ये हमारा आठवां लेसन है आप पहले के लेसन और ओवरव्यू बिल्कुल देखिएगा इस लेसन में हम बात करेंगे जलवायु वेजिटेशन जो वनस्पति है और वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु उनके बारे में बिल्कुल छोटी छोटी समरी सी होगी डिटेल नहीं है डिटेल सीनियर क्लासेस में है सबसे पहले क्लाइमेट जलवायु तो पहले तो दो टर्म होते हैं वेदर और क्लाइमेट ठीक है तो सबसे पहले आपको इन दो टर्म का डिफरेंस जानना होगा वेदर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म छोटे वक्त के लिए ठीक है कोई किसी भी जगह की एटमॉस्फेयर यानी उनका जो वायुमंडल है उसकी जो कंडीशन है जैसे गर्मी ले लो आप मतलब तापमान ले लो आप मॉइस्चर बारिश ले लो पानी ले लो कुछ भी ले लो तो किसी जगह के इस तरीके के कंडीशन के बारे में जब हम बात करते हैं छोटे वक्त के लिए ठीक है कुछ वक्त का सिचुएशन हम देखते हैं तो वो वेदर हो जाता है पर किसी जगह के आ, मौसम का आप समझो कि हिसाब हम रख रहे हैं और बहुत लंबे समय तक 20 साल 25 साल 30 साल तक हम एक रिकॉर्ड मेनटेन करें कि ठीक है इसी -इस जगह पे तो ऐसे गर्मी पड़ती है इतने महीने में ऐसी बारिश होती है और फिर उसका एक रफ़ एवरेज निकाल लेते हैं तो वो जब हम एक बना लेते हैं इमेज उस जगह की उस वहाँ के मौसम की और वहाँ के कंडीशन की तब वो क्लाइमेट होता है छोटे वक्त के लिए वेदर होता है अब सीजन की बात करें तो हम चार सीजन इंडिया में मेनली देखेंगे पहला है कोल्ड वेदर जहाँ ठंड होगी विंटर सीजन हो गया तो यहाँ पर क्या होता है टेम्परेचर तापमान बहुत कम होता है क्योंकि सन की रेज जो है वो डायरेक्टली नहीं पड़ती है ये हमने अभी पढ़ा था सीज़न वाले मौसम लेसन में कि जहाँ सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती है तो वहाँ गर्मी कम होती है इस वजह से हमारे उसमें ठंड होती है और मंथ आप मान लो भाई दिसंबर से फरवरी तक दूसरा हो जाएगा हॉट वेदर सीजन या समर सीज़न गर्मी का जहाँ सन की रेज लगभग बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है तो तापमान ज़्यादा होता है इसमें एक चीज़ क्या होती है लू लू क्या होता है गर्म और ड्राई हवा जो सूखी हवा है जो बिल्कुल बह मतलब जिसमें मॉइस्चर पानी का कंटेंट नहीं होता है वो दिन के वक्त में गर्मी के मौसम में दिन के वक्त में बहरी होती है तो लू से बचना बहुत ज़रूरी होता है तबीयत बहुत लोगों की ख़राब हो जाती है इसकी वजह से मौसम क्या हो जाएगा लग मतलब मंथ क्या हो जाएंगे लगभग मार्च से मई तक वैसे तो जून वगैरह में, में भी खींची जाती है बट हम वैसे जो एक एवरेज मान के चलते हैं ऐसे उसको कैटेगराइज करा है थर्ड है साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन जो बारिश वाली सीजन होती है उसमें क्या होता है मानसून आ रहा होता है स्टार्ट होने वाला होता है तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है अरब सागर हो गया और ये बंगाल की खाड़ी हो गया तो वहाँ से लैंड की तरफ जो है यहाँ पर हवा बहती है अब ये जो विंड ये जो हवा बहती है वो अपने साथ मॉइस्चर पानी का कंटेंट भी लेके जाती है और फिर जब ये पहाड़ वगैरह से टकराती है ना तो बारिश कर देती है ये पूरा जो बारिश का मेकानिज़म है कि रेनफॉल वगैरह होती कैसे है ये सीनियर क्लासेस में पढ़ना है ये सारा कंटेंट वहाँ से होगा अभी बस एक इंट्रोडक्शन है कि बार बार वहाँ पर ना रिपीट नहीं करना पड़े ऑलरेडी सबको पता हो कि विंटर सीजन कितने से महीने तक होता है क्या कैरेक्टरिस्टिक पहले से पता हो जाएगा तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा तो अब रेनी सीजन मंथ्स आप देख लेंगे जून से सितंबर तक फिर रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न आता है यानी ऑटम सीजन आता है उसमें क्या होता है कि विंड जो हवा जो हो रही होती है वो वापस वाटर बॉडी में जा रही होती है तो जो अपना इंडिया का सदन पार्ट है जो हमारा दक्षिण वाला हिस्सा मेनली तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के स्टेट्स हो गए राज्य हो गए तो वहाँ पर बारिश होने लग जाती है तो महीना लगभग हो जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर का फिर अगर हमसे कोई पूछेंगे ठीक है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है एक वर्ड में अगर बताना है तो हम बोलेंगे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है अब मॉनसून एक वर्ड से बना है मौसम मौसम क्या है अरेबिक वर्ड है इस मौसम का मतलब होता है सीजन और ये मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स मतलब ये जो हवा आंधी चल रही होती है इसका हर सीजन में रिवर्स हो जाता है रिवर्स मतलब लौट जाना है यहाँ से अगर जा रही है तो फिर ये बाद में वापस लौट के आ जाती है तो इसका इस वर्ड का ये मतलब होता है तो हमसे कोई इंडिया का पूछेगा क्लाइमेट तो हम बोलेंगे हमारा मानसून टाइप का क्लाइमेट है ठीक है और इंडिया क्या ट्रॉपिकल रीजन में है नदरन इसमें है ना ट्रॉपिक्स के पास में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बांटती है हमने देखा है तो मोस्टली जो रेन है जो बारिश है वो मानसून विंड्स लेकर आती है अब कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को जलवायु को इफ़ेक्ट करेंगे ऐसे तो बहुत से फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर की बहुत डिटेल भी स्टडी हमें करनी है अभी यहाँ बस नाम पढ़ेंगे तो किसी जगह का लोकेशन कौ, कौन से एरिया में है कौन से लैटीट्यूड के पास है फिर ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट उस जगह की ऊंचाई के बेसिस पर भी डिपेंड करेगा सी से समुद्र से उसका कितनी कितनी दूरी है उस हिसाब से डिपेंड करेगा और रिलीफ फीचर्स रिलीफ हो जाते हैं जैसे वही फॉर्म्स हो गए ना जैसे आप रिलीफ मतलब मेनली होता है कि जब दो अलग अलग फॉर्म के में हाइट का डिफरेंस होता है तो जैसे पहाड़ है फिर प्लेट्यू है फिर ये है आपका प्लेन है तो ये सब रिलीफ फीचर्स हैं तो उनके वजह से भी जलवायु पर असर पड़ता है फिर ए नेचुरल वेजिटेशन जो कि यह वनस्पति ये मतलब क्या है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत से प्लांट पाए जाते हैं अलग अलग तरह के पौधे बुश हो जाता है झाड़ी वगैरह हो गई श्रब हो गई लंबी मतलब पेड़ हो गए बड़े बड़े या घास वगैरह हो गए तो ये सब अलग अलग तरीके का प्लांट पाया जाता है तो वैसा प्लांट्स का मतलब अलग अलग स्पीसीज बोल लीजिए आप या अलग अलग, अलग प्रजाति जो कि नेचुरली ग्रो करता है ठीक है नेचर के हेल्प से ही ग्रो करता है उसमें ह्यूमन का इंसानी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और उसको बहुत समय तक अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है ठीक है उसको किसी भी तरीके से मतलब ये गार्डनिंग घर वाला गार्डन नहीं है या एक ऐसे लॉन मेंटेन करना नहीं है ये पूरा का पूरा जंगल है फॉरेस्ट है ठीक है वेजिटेशन है मतलब ये अलग अलग जगह जो पाए जाते हैं जिनको इनके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं की जाती है वो नेचुरली ग्रो करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है तो अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसको चेंज करता है वो है क्लाइमेट क्योंकि क्लाइमेट का खुद अपना बहुत सारा फैक्टर्स है वो हमने देख लिया अब है अलग अलग फॉरेस्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत हेवी रेनफॉल एरिया में मतलब पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत तेज़ होती है बहुत घने होते हैं इतने घने होते हैं कि सनलाइट जो है सूर्य की किरणें ज़मीन तक भी नहीं पहुँचती और ये एक पर्टिकुलर सीज़न एक फिक्स्ड समय पे अपना सारा पत्ता जो है इनका वो नहीं झाड़ते हैं तो उससे क्या होगा कि आप इनको जब भी देखेंगे आपको वो एवरग्रीन हरे भरे ही दिखते हैं ठीक है कुछ एग्जाम्पल है माहोगनी बनी रोजवुड ये कुछ स्टेट्स एरियाज हैं इंडिया में जहाँ ये पाए जाते हैं अगला है आपका ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट ये कौन सा फॉरेस्ट है जो थोड़े लेस डेंस यानी कम घने होते हैं ठीक है थी? इनका घनत्व कम होता है और ये एक ही पर्टिकुलर टाइम पे साल में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ये सारे जो है ये अपने पत्ते जो हैं वो झाड़ देते हैं और फिर इनके नए पत्ते कब आते हैं जब मानसून आ रहा होता है तो इसलिए इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं अब यहाँ कौन कौन से ट्रीज़ हैं साल टीक पीपल नीम शीशम वगैरह और ये सारे आपके स्टेट्स हैं आप एक बार देख लेंगे फिर थॉर्नी फॉरेस्ट थॉर्नी क्या हो गया थॉर्न मतलब जैसे कांटा सा हो गया ना तो कांटा वाला क्या हो जाएगा कैक्टस मान लो जैसे एग्जाम्पल तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे डेजर्ट वगैरह में रेगिस्तान वगैरह में तो ये सूखे एरिया में होते हैं और इनका जो लीव्स होता है ये नॉर्मल ऐसे पत्ता मतलब ऐसे पत्ता की तरह इनका लीव नहीं होता है स्पाइन ऐसे कांटा कांटा की तरह होता है ठीक है क्यों ताकि पानी का लॉस कम हो अगर पत्ता ऐसे ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा एरिया होगा उस पत्ते का उतना ज़्यादा पानी का लॉस उससे जो है ज़्यादा वो वेपर बन के उड़ जाएगा ट्रांसपेरेशन के प्रोसेस से तो पानी का लॉस हो जाएगा अब रेगिस्तान है तो वहाँ तो पानी अवेलेबल नहीं है तो इनको पानी कैसे मिलेगी इनको पानी बचा करके रखना पड़ता होता है इसलिए इनके पत्ते जो हैं वो कांटे कैसे थॉर्न स्पाइनस के शेप में होते हैं कैक्टस हो गया खैर बबूल कीकर एट्सेट्रा तो ये ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में और इधर उधर भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं स्टेट्स आप देख लेंगे फिर है माउंटेन जो पहाड़ों पर हाइट जो है ऊंची जहाँ माउंटेंस की वहाँ पर ये वेजिटेशन मिलती है अब ये क्या होता है अलग अलग हाइट के साथ ये थोड़ा वेजिटेशन का टाइप भी बदलते रहता है और हाइट के साथ टेम्परेचर घटते रहता है ऊपर ठंड होती है नीचे थोड़ी गर्मी होती है इनको माउंटेन या एल्पाइन वेजिटेशन भी बोलते हैं और ये कॉनिकल शेप ट्रीज जैसे कोन वाली शेप की ट्रीज होती है जिसको कॉनिफरस ट्रीज भी बोलते हैं एग्जाम्पल है फर पाइन डिओर एटसेट्रा फिर है मैंग्रोव फॉरेस्ट इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं और ये सलाइन वाटर सलाइन वाटर मतलब क्या हो गया जो समुद्र का आपका खारा पानी है उसमें भी सरवाइव कर लेते हैं फ्रेश में भी और इसमें भी तो ये सुंदरबंश का जो एरिया वेस्ट बंगाल का जहाँ डेल्टा बना था वो वाला एरिया और अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह में पाए जाते हैं इनकी एक इंपॉर्टेंट ट्री होती है सुंदरी ट्री जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा तो ये सुंदरी ट्री क्या करती है बहुत अच्छा मतलब वुड देती है लकड़ी देती है जिससे नाव वगैरह बनाने में हेल्प होता है फिर फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है ये ऑक्सीजन देते हैं जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ये खींच लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं इसको ये खींचते हैं इनकी रूट से जो है इनकी जो जड़ें हैं वो सॉइल को बांध के रखती है तो उससे क्या होता है कि सारा प्लांट जो है वो सही से उसमें मतलब हार्ड तरीके से बंधा हुआ होता है तो मिट्टी धुलती नहीं है सॉइल इरोजन नहीं होता है फिर ये फॉरेस्ट ये सब प्रोड्यूस भी दे देते हैं वाइल्ड लाइफ का घर होता है जो जंगली जानवर होते हैं वो इसी में रहते हैं बारिश अच्छी फॉरेस्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्री तो बारिश ज़्यादा होती है तो कंजर्वेशन के लिए इनको बचाने के लिए कुछ और मूवमेंट वगैरह जैसे यूज़ हुए चिपको मूवमेंट हुए यूज़ हुए लोग पेड़ को पकड़ लेते थे कि नहीं काटो मत और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम जहाँ और पेड़ हमें लगाना है वाइल्ड लाइफ क्या हो गए जो जीव जंतु फॉरेस्ट में जो रहते हैं इस तरह के होते हैं रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले हो गए अपना सांप हो गया चिपकेले वगैरह हो गई एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं जैसे मेढक वगैरह हो गए मैमल्स जो बिल्कुल यंग वंस को जो है वो जन्म देते हैं अंडे नहीं देते हैं जो बर्ड्स हो गए इंसेक्ट कीड़े वगैरह वॉर्म्स छोटे छोटे कीड़े सब हो गए तो ये अलग अलग प्रकार के एनिमल है और भी होते हैं ये कुछ नाम है एग्जाम्पल्स हैं अब क्या है नेशनल एनिमल जो है हमारा वो क्या है टाइगर है ठीक है और नेशनल बर्ड है पीकॉक है मोर है गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वहाँ पर एशियाटिक लायंस मिलते हैं असम के फॉरेस्ट में हमें हाथी या फिर जो वन हॉर्न मतलब एक सींग वाला जो राइनोसरस है वो मिलता है केरला और कर्नाटका में हाथी मिलते हैं ऊंट जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान वाले एरिया में मिलते हैं वाइल्ड एसेस जो है वो रन ऑफ कच गुजरात वाले एरिया में मिलते हैं हिमालय के में कौन कौन मिलते हैं वाइल्ड गोट स्नो लियोपर्ड बियर्स एटसेट्रा बर्ड की कुछ वैरायटी हो गई जैसे पैरट तोता हो गया पीजन कबूतर हो गया मैना बुलबुल वगैरह स्नेक की कुछ प्रजाति हो गई कोबरा या क्रेट्स वगैरह और कुछ प्रोग्राम जो इनके कंजर्वेशन के लिए इनके बचाने के लिए यूज़ किए गए हैं कुछ एग्ज़ाम्पल है ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं और प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट राइनो तो ये तो था पूरा क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पर होप आपको ये लेसन पसंद आया हो अगर आया हो तो आपको क्या करना है आपको पता है आपको रेट रिव्यू और रिकमेंड करना है तो नाउ थैंक यू सो मच ये आखिरी लेसन था इस कोर्स का और कोर्सेज हम बनाएंगे बाकी सारी क्लासेस की एनसीआर भी कवर होगी आप देखते रहिएगा थैंक यू सो मच बाय बाय हेलो एवरीवन आपका इस वाले कोर्स को तो आपने कर ही लिया होगा क्लास सिक्स छठी क्लास की जो भूगोल की किताब है उसकी एनसीआर टी बनाई है ये एक सडन अभी ऐड करना पड़ रहा है जो इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने जो एक्सप्लेन किया था कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ ठीक है ये क्लैरिफिकेशन इंटरनेशनल डेट लाइन ये अभी बिल्कुल सडनली ऐड करना पड़ा है अभी ये रिकॉर्डिंग तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉइस मतलब नॉइज इश्यू हो सकता है उसको आप प्लीज थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा बिकॉज बहुत टाइम कम है अच्छा ये है इंटरनेशनल डेट लाइन की जो रिटर्न वो थी कि ये एक इमेजिनरी लाइन है ठीक है मानी हुई लाइन है और इंटरनेशनली अग्रीड है मतलब सारे देश इसको मिलकर मानते हैं इसका लोकेशन क्या है 180 डिग्री मेरिडियन और ये दोनों हेमिसफेयर के लिए जो पश्चिमी और पूर्वी हेमिसफेयर है जो गोलार्ध है उसके लिए बिल्कुल सेम है यहाँ जीरो डिग्री है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है ये आपको इमेजिन करना होगा एक सर्कल है ठीक है गोल है तो यहाँ पर जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन है और इसके ऑपोजिट में बिल्कुल पीछे साइड से एक डिग्री है अब इसमें क्या है कि कुछ डेविएशन होते हैं डेविएशन मैंने बोला था ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होती है बाकी लॉन्गी च्यूट की तरह ऐसी टेढ़ी होती है जिगजैग होती है क्यों ये आप फिगर में देखेंगे ठीक यह है यहाँ पर ये ऐसे टेढ़ी लाइन है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो अलास्का का जो एलूजियन आइलैंड्स है ऊपर और नीचे में फिजी और टोंगा का आइलैंड्स है वहां पर लोग रह रहे होते हैं तो अब लोग जब रह रहे होते हैं तो उनको डे टाइम में जो चेंजिंग होना है उसकी प्रॉब्लम नहीं हो इसके वजह से इस लाइन को ना वहाँ डेविएट ऐसे टेढ़ा करके रखा है और कि उसको पानी से पास कराया है वाटर बॉडी से पास कराया है ताकि किसी भी तरीके का डे में जो चेंज हो रहा है कैलेंडर पर वो कन्फ्यूजन नहीं हो अब इस लाइन की खासियत क्या है खासियत है इस लाइन की कि जब हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमारे ना कैलेंडर में यानी दिन में डेट में ठीक है चेंज हो जाता है बदलाव हो जाता है टाइम सेम रहता है क्योंकि हमारा टाइम जोन सेम रहता है हमने बात करी थी ना कि पूरे विश्व जो है 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है और हर टाइम जोन एक घंटे का होता है तो अब ये वाला एक टाइम जोन आप मान लीजिए तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके बीच से पास करती है इसीलिए टाइम जोन जो है ना ये वाला पूरा एक घंटे का वो सेम रहता है तो टाइम में कोई चेंज नहीं होता बट इसको क्रॉस करते ही क्या होता है ना दिन बदल जाता है अब दिन कैसे बदलता है जब हम वेस्ट से ईस्ट पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन का फायदा हो जाता है फ़ायदा किस मतलब से होता है कि हमने एक दिन ऑलरेडी पहले जी लिया होता है और हमें वो दिन दोबारा जीने का मौका मिल जाता है तो हमें एक, एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है ईस्ट टू वेस्ट पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हम लूज करते हैं यानी खो देते हैं मतलब हम एक एक्स्ट्रा डे पर पहुंच जाते हैं तो हमें जो दिन एक्चुअली जीना होता था वो हमारा छूट जाता है वो हमें मौका ही नहीं मिलता उस दिन को जीने का अभी मैं फिगर से समझाऊंगी आप बस अभी ये समझेंगे कि जब पूर्व से पश्चिम जाते हैं ये जो ईस्ट टू वेस्ट है पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन का नुकसान होता है पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो एक दिन का फायदा होता है ये तब होता है जब हम इस आईडीएल को इंटरनेशनल लेट लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं ठीक है अभी ये वाला फिगर था जो जिसकी वजह से मे भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन हुआ तो अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ अभी जैसे इस सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये एक फ्लैट फिगर है ठीक है फ्लैट पेपर पर है बिल्कुल अभी इसको ग्लोब मान के करना है राउंड बॉडी तो ये सामने जो दिख रहा है इसको आप समझेंगे जीरो डिग्री है प्राइम मेरिडियन है और ये अगर एक ग्लोब है तो इसके जस्ट पीछे वाला जो लाइन होगा वो होगा एक डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड ठीक है इधर से जाएंगे अगर जीरो से ईस्ट मूव करेंगे पूर्व की तरफ तो ये 180 डिग्री ईस्ट हो जाएगा इधर मूव करेंगे तो 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा लेकिन वैसे ये दोनों ये लाइन और ये लाइन इसके पीछे ही है और वो सेम ही है बस इधर से जाएंगे तो डायरेक्शन बदलेगा इधर से जाएंगे तो डायरेक्शन बदलेगा अब क्या हो गया डेट में डे दे, दे में देखो कैसे चेंज हो रहा है अब जब हमें यह समझना है कि ये जो एरिया है ठीक है मतलब यहाँ पर 12 टाइम जोन है क्योंकि टोटल 24 है तो 12 इधर होंगे 12 इधर होंगे अब इस जीरो और ये 180 जो ईस्ट है पूर्व है इसके बीच का जो एरिया है वो इस लाइन के लिए तो वेस्ट है अब यहाँ से देखेंगे ना इमेजिन करके समझो इस चीज़ को इस लाइन के लिए तो पश्चिम है ना यहां से तो हमें पूर्व दिखेगा कि ये ईस्ट है पर इस लाइन के लिए ये वाला एरिया तो पश्चिम है तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं यानी ये लाइन क्या ये वाला पश्चिम एरिया है तो हम यहां से पूर्व जा रहे हैं ना ऐसे जा रहे हैं तो घूम के कहां पहुंचेंगे यहीं पहुंचेंगे ये तो अभी पेपर पे इतना लंबा डिस्टेंस दिख रहा है ना ग्लोब पर तो ये दोनों सेम ही लाइन होगा मतलब जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेंगे ठीक है तो इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो सीधे यहां पहुंच जाएंगे तो अब जब इस लाइन को क्रॉस जब तक नहीं कर रहे हैं तो हमारा सेकेंड जनवरी हो रहा है और जैसे ही क्रॉस करेंगे और यहां पहुंचेंगे तो फर्स्ट जनवरी हो जाएगा तो अब क्या हो रहा है कि देखो दिखने में क्या हो रहा है कि दिन तो घटता हुआ आपको दिखेगा कि सेकेंड जनवरी से तो फर्स्ट जनवरी हो गया तो हमारे पास गेन कैसे है फायदा कैसे है फायदा ऐसे है कि यहां पर जब सेकेंड जनवरी था तो ये तो आपने यहाँ पर आप ये हो सेकेंड जानवरी था मतलब कि यहाँ पर आपने फर्स्ट जनवरी तो जी लिया है इस जगह पर आपने ऑलरेडी फर्स्ट जनवरी जी लिया है तभी सेकेंड जनवरी आया है अब जब इसको यहां से यहां जैसे ही पहुंचोगे ये फिर से फर्स्ट जनवरी आ जाएगा तो आपको तो एक एक्स्ट्रा एक दिन मिल गया ना जो दिन आपने यहां ऑलरेडी तो जी लिया था वो आपको दोबारा से मिल रहा है जीने के लिए तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया एक्स्ट्रा दिन मिला इसीलिए फायदा है डेट तो कम हो रहा है पर फायदा क्यों है क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां फर्स्ट जनवरी जी लिया था फिर से यहां पहुंच रहे हो फिर से मौका मिल रहा है उसको जीने का ठीक है तो इसको ध्यान रखना है कि ये एरिया इस लाइन के लिए तो वेस्ट है और इसीलिए हम यहां पश्चिम से पूर्व घूमेंगे और तुरंत यहीं पहुंच जाएंगे अब इसी को उल्टा लेते हैं लॉस कैसे है नुकसान कैसे है अब ये देखो इस जीरो डिग्री और इस 180 डिग्री वेस्ट के लिए जिसके पश्चिम में है ये वाला जो एरिया है इसका तो पश्चिम है पर इस लाइन के लिए तो पूर्व है ना इस लाइन के लिए तो ये वाला एरिया पूर्व होगा इधर का एरिया पश्चिम होगा अब यहां हम बोल रहे हैं कि जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो इसके लिए पूर्व क्या है ये है अब इसके लिए हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मतलब यहाँ पहुंचेंगे जा करके तो डेट कैसे बदल जाएगा एक जनवरी से दो जनवरी हो जाएगा अब डेट यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप बोलोगे नुकसान कैसे है नुकसान कैसे है देखो यहाँ पर फर्स्ट जनवरी था तो आपको फर्स्ट जनवरी जीना था लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचे सेकेंड जनवरी आ गया आपने फर्स्ट जनवरी जिया भी नहीं जैसे ही इस लाइन को क्रॉस किया यहाँ पर ये आपका सेकेंड जनवरी आ गया तो आपको तो जीना तो था फर्स्ट जनवरी मनाना था न्यू ईयर मौका ही नहीं मिला सीधे दूसरा दिन आ गया तो एक दिन का आपको नुकसान हुआ ना डे भले बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तभी तो नुकसान हो रहा है और यहाँ एक्स्ट्रा डे मिल जा रहा था यहाँ से यहाँ जब आ रहे थे एक्स्ट्रा डे मिल जा रहा था इसीलिए फायदा हो रहा था यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एक दिन कम हो जा रहा है जो दिन हमें जीना था जिस दिन को इंजॉय करना था वो नहीं मिल रहा मौका नहीं मिल रहा और ये सीधा अगला वाला दिन आ जा रहा है और इसीलिए ये लॉस है ठीक है तो यहाँ पर ये जो है डेविएटेड है मतलब जिग्जैक है टेढ़ा मेढ़ा है ताकि इसको पानी से पास कराएंगे ताकि जो लोग आइलैंड में रह रहे हैं ठीक है द्वीप समूह में रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो उनके कैलेंडर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो तो इसको थोड़ा सा इसीलिए टेढ़ा कर दिया है जीरो से इधर की तरफ जाते हैं तो ईस्ट हो जाता है वेस्ट इधर की तरफ जाते हैं तो वेस्ट हो जाता है पर वैसे जब पीछे देखेंगे तो ये जीरो है अगर तो इसके एग्जैक्ट पीछे है ये वाला लाइन ठीक है और ये दोनों हेमिस के लिए दोनों यानी पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के लिए बिल्कुल सेम है तो आई होप आपको ये वाला अभी समझ आ गया हो मैंने कोशिश की समझाने की ये बता करके कि ये ग्लोब की तरह मान के चलो इस एरिया को समझो कि ये इस लाइन का पूर्व पश्चिम है और हम पश्चिम से पूर्वी की तरफ जाएंगे तुरंत इस जगह पहुंचेंगे इसीलिए डेट में चेंज हो जाएगा सेम यहीं पर है ये इसके लिए पूर्व एरिया है तो जब हम यहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे तो दिन कम हो रहा है और यहाँ पर दिन ज़्यादा हो रहा है लेकिन लॉस और सॉरी लॉस और गेन कैसे है वो अब आपको समझ आ जाना चाहिए तो आई होप यहाँ देखेंगे टाइम बिल्कुल सेम है ए वन एम वन एम टाइम तो सेम रहेगा क्योंकि टाइम जोन ये जो है वो पूरा सेम है 24 घंटे का टाइम जोन है पंद्रह uh, uh, मतलब ट्वेंटी फोर आर ईच होता है तो वन आर ईच होता है ना ट्वेंटी फोर टाइम जोन एक घंटे ईच का होता है और एक घंटे में कितना जाता है पंद्रह डिग्री लॉन्गिट्यूड ट्रैवल करती है तो आई होप आपको अब एटलीस्ट अब क्लियर हो गया हो अगर फिर भी किसी को अभी नहीं समझ आया है डाउट है आप फिर से पूछिए मैं फिर और समझाने की कोशिश करूंगी अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो या फिर कॉमेंट सेक्शन में ही तो आप प्लीज़ आगे के कॉर्सेस भी देखते रहिएगा ये थोड़ा अभी अर्जेंटली ऐड करना पड़ा था इसके लिए थैंक यू सो मच बाय बाय